Hi everyone, hello people. How is everybody doing? I can see Bhagya has already joined. I am waiting for more people to join in. So people, this is session number 2 for circles. We have already started circles. Straight lines khatam ho chuka hai. And as you already know, there's a huge chunk of coordinate geometry that we have to finish in 11th grade, right? And वो शुरू होता है स्ट्रेट लाइन से, फिर सर्कल्स पे जाते हैं, उसके बाद वी गो अहेड विथ पैराबोला, विथ एलिप्स, विथ हाइपरबोला. सो ऑल दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स. यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एनी सेशन. देर आर अ लॉट ऑफ डिटेल्स, अ लॉट ऑफ माइन्यूट माइन्यूट कॉन्सेप्ट, बहुत सारे छोटे हियर एंड देयर निटीग्रिटीज हैं. आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने सर्कल्स पहले पढ़ा होगा, हो सकता है स्ट्रेट लाइन्स पढ़ा हो एंड स्कूल में कराया गया हो, या फिर आपको पहले से आइडिया हो, आपके किसी बड़े भाई बहन ने पढ़ाया हो, वट एवर. आपको लगता हो यार ये तो बहुत ही सिंपल है, बट लेट मी टेल यू, डेविल लाइज इन द डिटेल्स. डेविल लाइज इन द डिटेल्स. जितनी चीज़ें सिंपल होती हैं ना, उतनी ही खतरे वाली होती हैं. कभी भी आप रस्ते पे चलते हो तो याद रखना, मैं ये बहुत बार एग्जांपल दे चुकी हूँ कि कभी भी अगर कोई बहुत बड़ा एक बम्प होता है ना रोड पे, तो वो हर किसी को दिख जाता है. लेकिन अगर कोई छोटा सा स्पीड ब्रेकर होता है ना, तो वहाँ पे जनता फिसल जाती है, इजंट इट. वहाँ पे आप खूब जोर से गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, लाइक ओह माय गॉड बच गए, इजंट इट. तो जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स या हियर एंड देयर निटीग्रिटीज या एकदम माइन्यूट रिजल्ट्स डिटेलिंग होती है ना, वहां पे बच्चे फंसते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज भर भर के प्रेजेंट इन योर स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स एंड ऑल द चैप्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इसीलिए इनको बड़े ध्यान से पढ़ना जरूरी है, हर वक्त डिस्टिंग्विश करते चलना बहुत जरूरी है. एंड इसीलिए आई एम 100% श्योर कि जिस डिटेलिंग से आपको मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, जिन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करती हूँ, होमवर्क देती हूँ, एवरीथिंग हैज एन एजेंडा बिहाइंड इट. आई डोंट जस्ट कम फॉर द सेक ऑफ कमिंग एंड टीचिंग यू. देर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च प्रेप दैट गोज इनसाइड एवरी सेशन दैट आई कम एंड डिलीवर हियर. एंड दैट इज व्हाई आई कैन वाउच फॉर वन थिंग फॉर श्योर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाओ यार, किसी भी, इस डिटेलिंग से ना आपको नहीं पढ़ाया जा रहा होगा कहीं पर भी. एंड दैट इज व्हाई इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम हियर, you must make sure that you are making the most of it. You are making the most of it. And people who are regular, I know there are, there's Charvi, there's Bhagya, there's Nidhi. So many people are always regular in my classes and they know the advantage. Jo bhi homework deti hu main, they always do it. They are regular, they give answers, they have attentive listening, they have been listening attentively to all the sessions. They know ki ma'am kya bol rahi hai. Hai na? To aise hi nahi bol rahi hu main hawa mein. And that is why I'm saying, make sure that you make the most of each class, you make the most of every session. अगर ऐसा कोई भी chapter है, session है, जो आपने miss किया है, या फिर आपको लगता है यार आप तब live नहीं देख पाए थे, लेकिन आप उसको बाद में देखना चाहते हो, please visit the channel. People, please visit the channel and type कर दो ऊपर कि भाई भूमिका मैम मैथ्स JEE 2023, एम JEE 2023, क्रैक JEE 2023 और 2024. Just type all these things and you are going to get all the videos. Chapter-wise playlist ready hai. It's ready. I get so many messages, oh my god, on my Telegram, in my Instagram, everywhere, ki ma'am, bada fayda ho raha hai yaar. Jaise questions aap de rahe ho, uske baad PYQs laga rahe hai, to wo solve ho rahe hai. Jo trick aapne batai, haan, wo lag rahi hai, uske madad se to PYQs fatafat solve ho rahe hai. To of course, dekho yaar, 100% aap mujh pe depend nahi ho sakte, kis cheez ke liye? क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए. आपको मैं समझा रही हूँ, देर इज ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट, ऑल द ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, रिजल्ट्स, फॉर्मुलाज, एवरीथिंग आई विल गिव यू एंड आई विल प्रैक्टिस ऑल्सो विथ यू. बट देर इज एन एलिमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी विच यू कैन नॉट इग्नोर. इट्स अ वेरी सीरियस एलिमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी जिसमें PYQs कम इन टू एक्शन. और एजेंडा ये होना चाहिए कि हाँ मैम, आपने जो भी क्लास में पढ़ाया ना, उसके बाद PYQs करने में ना स्मूदनेस आ रही है, ईज आ रही है, मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं. डर नहीं लगना चाहिए, बस देखो देखो यार, मजे आने चाहिए पढ़ने में. आज मैं इतने सालों से आई एम इन दिस पर्टिकुलर जॉब ऑफ टीचिंग, ऑफ लर्निंग, आई एम एन एवरग्रीन स्टूडेंट एंड आई विल ऑलवेज बी. व्हाई एम आई एबल टू डू दिस फॉर सो मेनी इयर्स डाउन द लाइन? बिकॉज आई लव इट, आई एंजॉय इट एवरी सिंगल डे, एंड दैट इज व्हाट कीप्स माई शिप सेलिंग, माई बोट फ्लोटिंग. इंपॉर्टेंट ये है दैट यू एंजॉय. रिजल्ट सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंस है, इट्स जस्ट अ बाय प्रोडक्ट. एंड ट्रस्ट मी, इट विल कम. पीपल हु आर रेगुलर, उनका तो पक्का आने वाला है. मुझे पता है यहां देख के किसका आने वाला है.
किसका अच्छा रिजल्ट आएगा किसका नहीं आएगा. आई गेट टू नो कंसिस्टेंटली. जिन्होंने भी लेक्चर्स अटेंड किए हैं ना एंड हु आर रियली रियली सीरियस अबाउट स्टडिंग, उनका रिजल्ट कोई रोक ही नहीं सकता. डाउन द लाइन आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड श्योरली एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड श्योरली कि हु अमंग यू ऑल इज गोइंग टू क्रैक इट. एंड यू नो द फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज कंसिस्टेंसी. देयर इज समथिंग कॉल्ड एन एथलीट माइंड सेट. यू नो कोई भी टॉप एथलीट को देखना आप, उसका सिर्फ एक ही सक्सेस मंत्र होता है, धूप हो बारिश हो बाढ़ आ जाए कुछ हो जाए, मैंने अपनी प्रैक्टिस करनी है, मैंने अपनी ट्रेनिंग करनी है, मेरे को उठना है और मुझे जाना है और ट्रेन करना है अपनी बॉडी को शेप में रखने के लिए, मसल्स को ट्रेन करने के लिए, अपने गेम में A1 रहने के लिए. एंड आप भी तो एथलीट ही हो ना यार, आपको किस मसल को ट्रेन करना है? ब्रेन. और उसको ट्रेन करने के लिए व्हाट इज द तरीका? कंसिस्टेंसी, जस्ट लाइक द ट्रू एथलीट डज. एवरी डे यू शुड शो अप एंड एवरी डे यू शुड एब्जॉर्ब एज मच एज यू कैन फ्रॉम दीज सेशंस. एंड द बेस्ट थिंग इज यू कैन कम एंड कॉमेंट बिलो. यू कैन कम एंड कॉमेंट बिलो ना भाई. कितने बच्चे कॉमेंट करते हैं यार, आई ऑलवेज रीड द कॉमेंट्स. मुझे तो नाम याद हो गए इन सब बच्चों के. और जब आप इंटरक्टिव होते हो, देखो यार, आप बात उसी से करोगे जिसको आप अपना अपना मानते हो, राइट? एंड आई वॉन्ट अस, I want all of us to feel that you are mine and I am yours. How wonderful it'll be. So please use the platform of commenting, of chatting, of interacting, be it on any platforms or be it on YouTube only. ठीक है, अपनी दिक्कतें बताओ. कितने बच्चे बताते हैं, मैम इस चैप्टर का ये समझ नहीं आया, इस पर डेडिकेटेड एक सेशन ले लो. मैम ये नहीं समझ आया, ये वाली बात ना बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रही है, इस पर 5-6 क्वेश्चन करा दो. तो टेल मी नो, लेट्स हेल्प ईच अदर एंड आई गारंटी यू, आई प्रॉमिस यू, एवरी थिंग इज गोइंग टू बी डन. उसके लिए तो आप यार पूरा मेरे ऊपर ना डिपेंड कर सकते हो कि मैम सब करा देगी यार, दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है. मैथ्स में मजा आना एजेंडा है, इंजॉय करना एजेंडा है, रिजल्ट आएगा, फॉर श्योर आएगा. हाई वर्सन, हाई राहुल, हाई निधि, हाई हर्ष, प्रभा, आर्यन, गुड इवनिंग एवरी वन. सो एनी बडी हु इज न्यू टू द चैनल, आई फील सम ऑफ यूल वुड बी न्यू, subscribe to the channel right now straight away. If you really are serious to crack the JEE exam, if you really are serious to achieve your goal, if you really are serious to not just make your family proud but to make yourself proud, subscribe the channel because you are bound to take the most of it. आपको हर एक सेशन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है. अपने रनिंग नोट्स प्लीज बनाते रहा करो. मैं बार बार बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ. अपनी एक नोटबुक साइड में रख के व्हेनेवर यू फील कि मैम ने कोई अच्छा रिजल्ट बताया या कुछ जो मुझे नहीं पता था या कुछ जो मैं भूल सकता हूँ, वहीं पे वीडियो को पॉज करो, अपना रिजल्ट लिखो, साइड में वो फॉर्मूला लिखो या जो भी मैंने कॉन्सेप्ट शॉर्टकट कुछ भी बताया है वो लिखो, मेक अ डब्बा अराउंड इट एंड दैट इज योर वीडियोज़ की रनिंग नोट्स. ओके, ऑफकोर्स आपकी एक स्कूल की नोटबुक होगी, एक यहाँ से नोटबुक बनेगी एंड देन कंपाइल करके जब अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो वो एकदम बैंग ऑन परफेक्ट बनेंगे, जिसमें हर एक वो टूल, हर एक टेक्निक, हर एक फॉर्मूला, हर एक रिजल्ट होगा जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर सकता है. एकदम मतलब पावर पैक्ड शॉर्ट नोट्स बनेंगे आपके, फुल पैकेज. ठीक है, ओके. So shall we get started? Circles का session 1 हो चुका है. People, I am again saying, coordinate geometry is one of the heaviest chunk in your syllabus. You cannot take it lightly and you must not take it lightly. I am taking the pain to come every day whenever the sessions are scheduled and to complete your syllabus. That is, the onus is on me. The responsibility is on me. What is your responsibility? To show up in every class and to make the most of it. राइट, इंटरैक्ट करो, होमवर्क करके आओ, पढ़ के आओ, रिवाइज करके आओ पुराने सेशंस, और नए सेशंस में उनको कनेक्ट करके डाउट्स पूछो, अपने होमवर्क्स शेयर करो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो. मैम ये अच्छा नहीं लग रहा, मैम ये अच्छा लग रहा है, मैम इसमें टेंशन हो रही है, मैम नहीं हो रही है, कीप टेलिंग मी. नो आई फील सो हैप्पी व्हेन आई सी स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिंग. मुझे नहीं फर्क पड़ता आप फर्स्ट आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, मुझे प्रोग्रेस से मतलब है, मुझे प्रोग्रेस से मतलब है, और उससे आपको मतलब होना चाहिए. एवरी डे आर यू बीइंग बेटर देन यस्टरडे और नॉट? जब जेई होना होगा, रिजल्ट आना होगा, वो तो आएगा, बट एवरी डे आर यू मेकिंग इंप्रूवमेंट? एवरी डे आर यू मेकिंग योर सेल्फ प्राउड? एवरी डे आर यू फुलफिलिंग द प्रोमिसेज दैट यू आर मेकिंग टू योर सेल्फ? मैं आज सुबह 7 बजे उठ के पढ़ूंगी, उठे? मैं आज ठंडा पानी नहीं पीऊंगी, क्या ऐसा किया? आज मैं 1 ही घंटा टीवी देखूंगी, क्या ऐसा हुआ? खुद से किए छोटे छोटे वादे पूरे किए? हाँ,
अगर छोटे छोटे वादे खुद से किए रोज पूरे करोगे ना, मैं आज लिख के साइन करके दे सकती हूँ, जेई क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये मैं नहीं बोल रही, ये आप खुद को बोलोगे, बिकॉज यू विल हैव सच अ ह्यूज कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ कि मेरा सेल्फ कंट्रोल इतना ज्यादा स्ट्रांग है, मेरा मन कर रहा है फोन यूज करने का, पर मैंने खुद को वादा किया यार मैं आधे घंटे यूज करूंगा, आधा घंटा खत्म हुआ बंद किया मैंने। उससे आता है कॉन्फिडेंस, उससे आता है कॉन्फिडेंस। और फिर लगता है यार मैथ्स का ये सवाल ना मैं फोड़ के ही रहूंगा यार, मतलब जब मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो सवाल भी तो फोड़ सकता हूँ। ये होता है, दैट्स हाउ साइकोलॉजी फंक्शंस। तो एवरी डे बेसिस पे प्लीज वट एवर प्रोमिसज यू मेक टू योर सेल्फ फुलफिल देम। मैम आपकी क्लास में आएंगे, आओ, बहाने मत मारो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, किसी का भला नहीं होना, डोंट पोस्टपोन, ओके, आओ होमवर्क करके आओ, और जितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हो सेशन से उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करके जाओ, ग्रो एज मच एज यू कैन, स्काई इज द लिमिट पीपल, रिमेंबर स्काई इज द लिमिट, यही तो कुछ नहीं है उसके सामने, स्काई इज योर लिमिट। आप में इतनी पोटेंशियल है यार, इतनी ज्यादा पोटेंशियल है, आपको पता भी नहीं है। एंड व्हेन आई सी यू गाइज वेस्टिंग दैट पोटेंशियल, इट जस्ट हर्ट्स मी बैडली, लाइक हर्ट्स मी, आई फील सो बैड। मैं कई बार सोचती ही रहती हूँ कि यार वॉट शुड आई डू कि दे रियलाइज कि हाउ पावरफुल दे आर, क्या मतलब है यहाँ पे, रियलाइज कैसे करवाऊँ मैं। सो इट जस्ट बढ़िया, आई होप थिंग्स आर क्लियर गाइज। यस देविक, बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ यार मैं देविक, बहुत सारे। आप चैनल पे जाके अगर स्ट्रैटेजी वीडियो सर्च करोगे ना, सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको उन स्ट्रैटेजी वीडियोस में मेरा मिलेगा, क्योंकि इतनी रिसर्च करके और इतने सारे बच्चों से बातें करके, मेरे खुद बहुत सारे छोटे भाई बहन हैं यार, कजिन्स हैं, रियल्स हैं, बहुत सारे हम लोगों की जॉइंट फैमिली है, एंड आई हैव सो मेनी किड्स टू इंटरेक्ट विथ हु आर यंगर टू मी, हु आर योर एज, हु आर ओल्डर टू मी एज वेल, जिन्होंने हु हैव बिन इन योर शूज, आई हैव बिन इन योर शूज। मैं कोई यार मतलब बहुत बाबा आदम के ज़माने की थोड़ी हूँ, मैं आपसे बहुत बड़ी थोड़ी हूँ, आई हैव बिन इन योर शूज, नो, अभी तो मतलब कुछ साल पहले, हाँ, तो आई अंडरस्टैंड, एंड दैट इज वाई दोज स्ट्रैटेजी वीडियोज, दोज टिप्स एंड दोज ट्रिक्स एंड दोज शॉर्टकट्स एंड दोज ऑल द हैक्स दैट आई शेयर कम फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, दे आर ऑल हार्ट फेल्ट व्हेन आई हैव बीन शेयरिंग विथ यू, और जिन्होंने भी वो देखे हैं वो समझ सकते हैं। तो अगर किसी को भी ऐसे ये कैसे फोन से दूर रहें, प्रोक्रेस्टिनेट कैसे ना करें, मोटिवेटेड कैसे रहें, एटसेट्रा एटसेट्रा, आई नो ये स्ट्रगल्स हैं, आई नो, बट बच्चे If you really have faith na, if you really are serious na, तो आप वो points जो मैंने उन videos में बताए, you will follow it and trust me you will benefit from it. Trust me you will benefit. ये वही results हैं, ये वही options हैं, ये वही solutions हैं जो काम किए हैं लोगों के लिए और मैंने वो channel पर share किए हैं. They are out in the open for you to watch and for you to take benefit from. Just go search and you will find it. And if there's any topic, एनी टॉपिक, एनी स्ट्रगल, एनी प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग, और आपको लगता है मैम प्लीज़ इस पर वीडियो बना दो, मैम इस पर कुछ बात कर दो, मैम इस पर हम शेयर कर लें ज़रा अपने एक्सपीरियंसेस, कॉमेंट्स में हम आपको बताएंगे क्या स्ट्रगल आते हैं, आप इसमें हमारी मदद कर दो, प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो, आई वॉन्ट टू हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल, बिकॉज आई ट्रस्ट यू गाइज, आई रियली रियली ट्रस्ट यू, एंड आई हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशंस, आई नो यू विल मेक योर सेल्फ प्राउड, डोंट मेक मी प्राउड, No, I am nobody. Don't make me proud. Make yourself proud. Please make yourself proud. Okay? Yes? आगे बढ़े? Now, here is the concept of intercept of the circle. मैंने कल की क्लास में आपको बोला था. कल की क्लास हमारी थोड़ी बेसिक ही थी. बहुत ज़्यादा tough concepts हमने नहीं पढ़े थे. Because we had started with circles. And I am saying you people कि आप straight line से शुरू करते हो, circles पे जाते हो, फिर parabola पे, फिर ellipse पे, फिर hyperbola पे. कई बच्चे क्या ओवर स्मार्ट बनते हैं, दे डायरेक्टली जंप ऑन टू एलिप्स एंड हाइपर बोला कि अरे ये सब चिंदी कॉन्सेप्ट तो हमको आते हैं यार, ये सर्कल और ये क्या ही है, स्ट्रेट लाइन और ये सब तो हमको पता है, डायरेक्टली आगे चलो, और उनमें और आप में फर्क पेपर में दिखता है, क्योंकि क्या होता है ना कि रिजल्ट्स और टॉपिक सेम है, पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन सर्कल में भी मिलेगा, पैराबोला में भी मिलेगा, एलिप्स में भी मिलेगा, हाइपरबोला में भी मिलेगा, इंटरेक्शन ऑफ अ लाइन विद द कोनिक सर्कल में भी मिलेगा, पैराबोला में भी मिलेगा, एलिप्स में ही मिलेगा, हाइपरबोला में ही मिलेगा। तो होता क्या है, सर्कल में अगर आप वो समझ लेते हो ना,
तो आप कनेक्ट कर पाते हो कि वही रिजल्ट का एक एक्स्ट्रापोलेटेड वर्जन पैराबोला में है, उसी का एक सिमिलर वर्जन एलिप्स में है, उसी का एक सिमिलर वर्जन हाइपरबोला में है। तो वो जो एक बिल्डअप होता है ना, वो बड़ा सिस्टमैटिक होता है, ऑर्गेनाइज होता है, प्यारा होता है और वो दिमाग में फिट हो जाता है। वहीं आप इसे रैंडम पढ़ोगे ना कि चलो अभी भाड़ में जाए सर्कल्स, अभी तो एलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, तो कुछ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, माइंड मैप नहीं बन पाएगा। एंड व्हेन इट कम्स टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना, इट्स ऑल अबाउट माइंड मैप। एक बार वो माइंड मैप सही बन गया ना, वो कनेक्शन सही हो गए ना, तो ये पाँचों टॉपिक स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। तो स्टिल इफ देयर इज Anybody who has not watched Straight Lines, I strongly recommend you people, strongly, if you really are serious to make coordinate geometry one of your strengths, तो please रोज भले एक एक घंटा निकालो, आधा घंटा निकालो, बाथरूम में भी बैठे रहते हो ना अगर, तो भी अगर आप सुन सकते हो 1.5x में, या फिर कभी आप खाना बना रहे हो या कुछ खा रहे हो और आप अगर देख सकते हो, सिर्फ इसलिए कि यार मेरे को आता है लेकिन मुझे रिवाइज करना है, तो भी देख लो। और अगर सीरियसली पेन उठा के नोट्स भी नहीं बने हुए एक भी बार, तो उस हिसाब से आप तसल्ली से सामने फोन खोल के देख सकते हो। स्पीड बढ़ा लो अपने हिसाब से, रिकॉर्डेड सेशन से लाइव तो अब आप देख नहीं रहे, प्लीज वॉच देम। वट एवर रिजल्ट क्वेश्चंस वी हैव डन, सो मेनी PYQs वी हैव डन, प्लीज सॉल्व देम एंड देन कम टू सर्कल्स। ठीक है, ओके। आउट ऑफ 90, 75 आर सॉल्व, वेरी गुड आदित्य, दैट्स अ वेरी वेरी गुड स्कोर, so proud of you. चलो तो let's get started people. Intercept of a circle, क्या होता है ना, जब एक सर्कल है वो x axis या y axis दोनों को intersect कर सकता है, and that is how it creates two intercepts, one on the x axis, one on the y axis. So situation, what does it look like? I'll just tell you, अगर मैं x axis के respect में आपको बताऊं, तो let's say ऐसी कोई situation है, लेट्स से ऐसी कोई सिचुएशन है, तो मेरे पास मेरा सर्कल है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मेरा जो सर्कल है वो कैसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। और ये सर्कल एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब कि ये एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काट रहा है, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, या ए बी सेगमेंट का जो लेंथ है ना, वो कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। तो ए बी सेगमेंट का जो लेंथ है वो कहलाता है आपका एक्स इंटरसेप्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, जपमान प्रीत ने आगे सही आंसर दिया है, ये कहलाता है आपका एक्स इंटरसेप्ट। अब आप इसको ढूंढोगे कैसे? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है, बड़ा इंट्यूटिव प्रूफ है यार, देखो बड़ा नेचुरल सा है। क्योंकि मेरा सर्कल एक्स एक्सिस को काट रहा है ए और बी पे, लेट्स से ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा जीरो और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू कॉमा जीरो, मतलब ये किसके सॉल्यूशंस हैं? जब मैंने सर्कल की इक्वेशन को और एक्स एक्सिस की इक्वेशन को एक साथ सॉल्व किया है, तब मेरे को एक्स वन एक्स टू मिला है ना। तो सर्कल की इक्वेशन में, मतलब जब मैं वाई इक्वल जीरो रखूंगी, क्योंकि एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई इक्वल जीरो होती है, जब मैं सर्कल की इक्वेशन में वाई इक्वल जीरो रखूंगी, तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। बाबा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। अब इसके पास तो तीन ऑप्शंस है ना, या तो डिस्टिंक्ट रूट्स हो, या तो इक्वल रूट्स हो, या तो इमेजिनरी रूट्स हो। मतलब इसके पास क्या तीन ऑप्शंस है, कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, या इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो, या फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो, है कि नहीं? यस यस, मतलब कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो गया, दैट मींस इट विल हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सर्कल एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट जगह काटेगा, मतलब अपने पास एग्जैक्टली ये सिचुएशन आएगी जिसमें एक पॉजिटिव लेंथ का इंटरसेप्ट बनेगा। दिस इंप्लाइज पॉजिटिव लेंथ इंटरसेप्ट, और इसकी लेंथ होगी क्या? होगी क्या? एबी की लेंथ, मतलब मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू, ऐसे लिख सकती हूं ना मैं। एक्स टू का क्वांटिटी ज्यादा बड़ा है एक्स वन से, अगर मैं इंटरचेंज कर देती तो एक्स वन बड़ा हो जाता है एक्स टू से, तो इसलिए मैंने सेफ साइड मॉड एक्स वन माइनस एक्स टू लिखा। दिस इज द लेंथ ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, जो कि अभी मेरे डायग्राम में आपको दिख रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि डी इक्वल टू जीरो हो जाए। यस यशस्वी, यू आर सो राइट। इसका मतलब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू जीरो। क्यों मैम?
क्योंकि d इक्वल जीरो मतलब x1 इज इक्वल टू x2, तो जो x1 कॉमा जीरो पॉइंट है जहां पे सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है वही x2 कॉमा जीरो भी है, मतलब सर्कल काट नहीं रहा x एक्सिस को, बस टच कर रहा है, मतलब x एक्सिस उसका डैश हुआ, क्या हुआ, अगर सर्कल x एक्सिस को बस टच कर रहा है तो x एक्सिस उसका क्या हुआ शेखर? यस यशस्वी, टेंजेंट हुआ. दिस इंप्लाइज x एक्सिस इज अ टेंजेंट, है ना चमका, इमेजिन कर पा रहे हो? तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी आपकी, कुछ ऐसी हो जाएगी कि भाई ऐसा सा है, अब जो मेरा सर्कल है वो सिर्फ x एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब इट्स जस्ट टचिंग, ये दिस पॉइंट ओनली इज x1 कॉमा जीरो एंड दिस पॉइंट ओनली इज x2 कॉमा जीरो, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज जीरो. वहीं अगर मैं बात करूं, वेट अ सेकेंड, यस, अगर मैं बात करूं इसकी कि भाई व्हाट इफ d लेस देन जीरो, व्हाट इफ d इज लेस देन जीरो, व्हाट इफ d इज लेस देन जीरो, देन यू विल हैव इमेजिनरी रूट्स मैम. अच्छा, इमेजिनरी रूट्स मतलब x1 x2 इमेजिनरी, यस भाग्य करेक्ट, नीदर इट विल टच नॉर इंटरसेक्ट द x एक्सिस, मतलब इसका क्या हुआ, हाँ आदित्य इंटरसेक्शन, यस यशस्वी, इन एयर, इन एयर मतलब या तो वो x एक्सिस के स्ट्रिक्टली ऊपर बैठेगा या x एक्सिस के स्ट्रिक्टली नीचे बैठेगा, पर उसको टच या इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दिस इंप्लाइज नो इंटरसेप्ट, या फिर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट यहां भी जीरो ही होती है बट देयर इज नो इंटरसेप्ट. यस बर्सन करेक्ट, दिशा करेक्ट, है ना, समझ में आ गया, अच्छे से इमेजिन हो गया, मतलब अब मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, मुझे तो एक ही केस में इंटरेस्ट है ना यार, जिसमें पॉजिटिव इंटरसेप्ट बनेगा. जब डी लेस देन जीरो आ रहा है तब तो कोई इंटरसेप्ट बन ही नहीं सकता, जब डी इक्वल टू जीरो आ रहा है तब तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जीरो है फिर भी कोई इंटरसेप्ट बन नहीं रहा, यानी कि मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है इस क्वांटिटी को निकालने में कि अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट आ गया, अगर मेरा डी पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट की मैं लेंथ कैसे निकालूंगी. तो देखो यार, मुझे मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू चाहिए, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर, इजंट इट, मैं ये चिल्ला चिल्ला के आपको बता चुकी हूं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड एक्स, बताया है कि नहीं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ना. तो ये क्या बन गया, अंडर रूट के अंदर एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर माइनस टू एक्स वन एक्स टू. एक काम करती हूं मैं, प्लस टू एक्स वन एक्स टू कर देती हूं और एक और माइनस टू एक्स वन एक्स टू कर देती हूं, इससे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस टू एक्स वन एक्स टू से आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू होल स्क्वायर, बचेगा माइनस फोर एक्स वन एक्स टू. यार ये एक्स वन प्लस एक्स टू क्या है, दे आर द रूट्स ऑफ माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस सी ना, वेन द डिस्क्रिमिनेंट वॉज पॉजिटिव. तो x1 प्लस x2 क्या हुआ, सम ऑफ द रूट्स, और सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब माइनस 2g बाय 1, मतलब क्या, माइनस 2g बाय 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. यस भाग्य, वेरी गुड पर्सन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब c बाय a, मतलब c बाय 1. तो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 4g स्क्वायर माइनस 4c, मतलब 4 बाहर निकालो अंडर रूट के बाहर 2 बन के आएगा अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c. पर मैम ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट की जो लेंथ आ रही है ये रियल तो सिर्फ और सिर्फ तब आएगी ना, दिस विल कम आउट टू बी रियल इफ एंड ओनली इफ g स्क्वायर माइनस c इज पॉजिटिव. अरे तो ये हो तो रहा है, जी स्क्वायर माइनस सी तो पक्का पॉजिटिव है ना, क्यों मैम, क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटरसेप्ट हमको मिला ही तब है जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, और डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है इसका पता है आपको, डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही तो आ रहा है, फोर टाइम्स जी स्क्वायर माइनस सी. और जब आप कहते हो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, इसका मतलब फोर तो खुद पॉजिटिव है ही, मतलब जी स्क्वायर माइनस सी इज पॉजिटिव. तो आपके पास पॉजिटिव इंटरसेप्ट कब बन रहा था, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था, मतलब जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव था,
और आपके पास लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या आ रही है उस सिचुएशन में, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, विच इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है, राइट? सो द रीजनिंग शुड बी क्लियर, द लॉजिक, द वाई शुड बी क्लियर. ये कुछ पॉजिटिव नंबर आ रहा है क्योंकि x1 x2 अलग अलग पॉइंट्स है, तो उनके बीच का डिस्टेंस कुछ पॉजिटिव है. वो पॉजिटिव कब आएगा? जब ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव हो ना, मतलब अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, जो कब होगा? जब जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव हो, और वो है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, क्योंकि x1 x2 मेरे डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे थे, राइट? गॉट इट? Similarly, we have the y-intercept, which is twice of under root f square minus c. एकदम same lines पे है, कुछ भी मतलब ऐसे अलग सा कुछ नहीं बोला है मैंने. ये मेरा x-intercept है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x-intercept is twice of under root, लिख लो आप भी, g square minus c and y-intercept is twice of under root f square minus c. ठीक है? Okay. This is the entire theory of intercept written, which I have already explained you. ये देखो, ये तीन situation आई थी ना हमारी. G square minus C positive मतलब discriminant positive. तब ऐसा बनेगा situation positive intercept वाली. G square minus C equal to zero मतलब discriminant zero. तब circle touch करेगा x axis को, या x axis will be a tangent. And G square minus C less than zero means discriminant less than zero. In this case, there is no intercept. Circle is in the air. Similarly for y intercept. एग्जैक्टली यशस्वी, एकदम सही बात बोली है यार यशस्वी ने जो बोला है, वो चीज आप घर में होमवर्क के फॉर्म पे ट्राई कर सकते हो. जैसे मैम ने y को जीरो रखा था सर्कल की इक्वेशन में ताकि x के इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स निकल जाएं, वैसे आप x को जीरो रखोगे और वही यशस्वी बोल रही है y वाले कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे जहां पे सर्कल y एक्सिस को काटेगा, 0, y1, 0, y2, एंड देन द सेम थ्योरी इज गोइंग टू कंटिन्यू. नाउ आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है? बड़ा प्यारा सवाल है, इसको देखो और सॉल्व करने से पहले ना विजुअलाइज करना, इमेजिन करना कि इसमें चल क्या रहा है. अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 6, 5 एंड टचिंग द अबव सर्कल एक्सटर्नली. ठीक है? ओ यशस्वी इज अ बॉय, ऑल राइट. एक्चुअली आई हैड अ क्लासमेट नेम्ड यशस्वी, शी वॉज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स, एंड वेन यू केम फर्स्ट टू द क्लास, I don't remember which class you came first, and I saw your name and I immediately recollected her. So maybe I have that image in my head. I'm so sorry. But yeah. All right. So let's come to this question. A circle of radius 2 lies in the first quadrant and touches both the axes. तो कुछ ऐसी situation है, ठीक है? अगर ये radius 2 का circle है और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा है, तो मुझे क्या आप इसका सेंटर बता सकते हो क्या? मतलब मैं मान जाऊंगी यार, अगर बच्चों ने मुझे इसका सेंटर बता दिया तो मैं मान जाऊंगी अगर मुझे बच्चों ने इसका सेंटर बता दिया तो एनीबॉडी? ओके, यशस्वी सेज 2, 2, हर्ष 2, 2, भाग्य 2, 2, करेक्ट. And I would strongly appreciate if you can put the parenthesis, जैसे सिर्फ भाग्य ने डाले हुए हैं brackets, अमन हर्ष यशस्वी brackets डालने बहुत जरूरी हैं यार, बहुत 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 जरूरी. You are studying mathematics, so you better respect the symbols used in mathematics, okay? ये ऐसे answers मुझे कभी मत देना 2, 2 without the bracket, be it the center के coordinates या फिर be it the interval जिसमें answer आ रहा है, closed interval है, open है, क्या है? I want you to give exact answer always. ठीक है? चलो, बिल्कुल सही बात बोली गई है, सबने सही बोला है. 2, 2 मतलब this is 2 and this is 2. मतलब radius क्या हो गया इसका यार? 2 ही तो हुआ. अब अपने पास एक circle है जो इस वाले circle को ना externally touch कर रहा है. अपने पास एक सर्कल है जो इस वाले सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, उसका सेंटर है 6, 5. हाँ, सेंटर गिवन है ना बरसन? ये येलो वाले सर्कल का सेंटर नहीं गिवन है ना? ये जो येलो वाला सर्कल है, इसका सेंटर गिवन नहीं था ना, वो डिकोड किया है, बड़े वाले ब्लू वाले का दिया हुआ है. ठीक है? तो ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ?
When two circles touch each other externally, what can you say? Distance between the centers is equal to sum of the radii. Distance between the centers is equal to sum of the radii. दिख रहा होगा ना आपको कि ये सेंटर वन है, ये सेंटर टू है. अगर दो सर्कल्स, वेरी गुड भाग्य, अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियाई. भाई इसका रेडियस तो अपने को पता है ना, इसका रेडियस दो है, इसका रेडियस मुझे नहीं पता, सपोज आर है, तो मुझे पता चल गया 2 प्लस आर इज अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, राइट. तो 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज 16 प्लस 9 मतलब 25, अंडर रूट 25 इज 5. तो अपने पास आ गया 2 प्लस आर इज एक्चुअली 5, मतलब आर की वैल्यू आ गई 3. अगर r की वैल्यू 3 आ गई और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी पता है तो सेंट्रल इक्वेशन निकल जाएगी ना. सेंट्रल इक्वेशन x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स 3 स्क्वायर. दिस इज माय रिक्वायर्ड इक्वेशन. वेरी गुड हर्ष, आई सो लाइक द वे यू हैव रिटन इट. मैम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इंप्लाइज रेडियस निकलेगा, रेडियस निकलने के बाद सेंटर तो पता ही है, तो यू विल बी एबल टू कंप्यूट द सेंट्रल इक्वेशन. बहुत बढ़िया. अब आते हैं इसमें, ठीक है. ये मतलब बड़ा बेहतरीन सवाल लाई हूं मैं आपके सामने, एंड आई रियली वॉन्टेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ यू सो दैट यू कैन विजुअलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन. यहां पर क्या हो रहा है देखो, अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स अगेन टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो थोड़ा बहुत सेटअप पिछले सवाल जैसा ही है. इफ द सर्कल मेक्स वन कंप्लीट रोल ऑन द एक्स एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, फाइंड इट्स इक्वेशन इन द न्यू पोजिशन. What do you think is the logic? चल क्या रहा है यहां पे? हाँ, चल क्या रहा है यहां पे? यहां पर एक सर्कल है जो कि दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स को टच कर रहा है, ठीक है. लेट मी ड्रॉ इट. तो एक सर्कल है जो दोनों कोऑर्डिनेट्स को टच करता है. वेरी गुड, so impressed. Distance covered on the x-axis is equal to circumference of the circle. This is what, yes Yashasvi, this is exactly what I wanted you guys to think. Jinko nahi samajh aaya, please visualize over here. Apne paas ek circle hai jo first quadrant mein dono ke dono coordinate axis ko touch kar raha hai aur 5 unit ka uska radius hai. 5 unit ka radius hai matlab ye bhi 5, ये भी 5, एंड दिस इज द सेंटर 5.5, राइट. समझ आया? 5 उसका रेडियस है और 5.5 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, किसके? सेंटर के. ये क्या कर रहा है? अभी देखो, जो पॉइंट सपोज मैं यहां पर P ले रही हूं, ठीक है, ये जो पॉइंट P मैंने मार्क किया है ना, अब सोचो कि इस डायरेक्शन में ये ऐसे रोल करना स्टार्ट करता है. ये गया और इसने रोल किया, तो P पॉइंट क्या होगा? P पॉइंट यहां ऊपर जाएगा, रोल करेगा 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 करेगा, फिर से नीचे आएगा. समझ रहे हो आप क्या बोला मैंने? लेट मी रब दिस बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है. भाई ये पूरा रोल किया रोल किया रोल किया, P पॉइंट फिर से एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा ना थोड़ी देर बाद. पूरा सर्कल पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये देखो यहां पर सर्कल है, ये ऐसे मेरी तरफ आएगा, ये ऐसे एक रोल मार के मेरी तरफ आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, मेरी तरफ आएगा, और पी वाला जो पॉइंट है वो पूरा जब एक्स एक्सिस पे वापस आ जाएगा तब ये रुक जाएगा. एक रोल ले रहा है पूरा, तो पूरा एक रोल लेने के बाद वो यहां आ गया. येलो से ही बनाते हैं इसको ताकि वी कैन कंपेयर, ठीक है. आ गया आ गया. कितना डिस्टेंस कवर करके आई? जो पी वाला पॉइंट है ना, जो पी वाला पॉइंट है वो अब यहां आके पी डैश हो गया है. ये पी वाला पॉइंट आगे आके पी डैश हो गया एक रोल मार के. क्या बात है यार, क्या बात है. मतलब यहां से यहां तक तो 5 था, उसके बाद वो एक रोल मारेगा, मतलब उसका कितना पेरीमीटर हुआ सर्कमफेरेंस? 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू पाई इंटू 5 मतलब 10 पाई. तो मतलब ये x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 पाई यूनिट्स ही तो कर रहा है, जितना इसका सर्कमफेरेंस है. मतलब p डैश जो है उसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? p डैश का x कोऑर्डिनेट होगा 5 प्लस 10 पाई, और यहां पर जो सेंटर है देखो वो इसी से अलाइंड रहने वाला है.
सेंटर एग्जैक्टली यही अलाइंड रहने वाला है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 + 10π, और एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप देखो, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है सर्कल, एग्जैक्टली सेम जितना पहले था, मतलब 5 यूनिट। दिस इज द सेंटर। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड भाग्य, वेरी गुड शार्वी, यस यशस्वी, करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया, विजुअलाइज हो गया। अब मेरे पास यहां से लेके पी डैश तक का सेंटर भी, मतलब डिस्टेंस भी, मतलब 5 है, तो मुझे पता चल गया इस वाले सर्कल का सेंटर है 5 + 10π, 5, और इसका जो रेडियस है वो है 5 यूनिट, करेक्ट। दिस वॉज टू विजुअलाइज बर्सन। अब आप सेंट्रल इक्वेशन से इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो गया अब तो, ये है ना। तो इक्वेशन में नहीं निकाल रही हूं, आई थिंक यू आर equipped enough to find out the equation. Come to this question now. Length of the intercept on the straight line by this circle. अब यार देखो, एक चीज इस सवाल को अटैक करने से पहले समझ लो कि मेरे पास कोई सर्कल है, ठीक है, मेरे पास है x² + y² - 2x + 4y - 20 = 0, तो इसका जो सेंटर है वो कैसा दिख रहा है, -1/2 of coefficient of x - 1/2 of coefficient of y, ये सेंटर है, और इसका रेडियस क्या है, √g² + f² - c, 25 = 5, यस भाग्य, करेक्ट, वेरी गुड। तो सेंटर रेडियस मिल गया, मुझे बोला जा रहा है कि यार एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जो सर्कल को काट के जा रही है, जिसकी मदद से एक कॉर्ड बन रहा है, या फिर एक इंटरसेप्ट बन रहा है, या फिर एक सीकेंट बन रहा है, एक ही बात है, या तो इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बोलो, इंटरसेप्ट मतलब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, या फिर आप कॉर्ड बोलो, या फिर आप सीकेंट बोलो कि ये लाइन एक सीकेंट क्रिएट कर रही है, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मेरे को बताओ कि अगर आपको ए बी की लेंथ जाननी हो तो कैसे जानोगे, ए बी की लेंथ जाननी हो तो कैसे जानोगे, एनी आइडिया एनीबॉडी? अगर ये सेटअप है, ठीक है, ये आपके पास ये वाला पूरा सेटअप है, अगर आपको ए बी की लेंथ जाननी है तो कैसे जानोगे, किसी के पास कोई आइडिया है, कुछ आप सोच पा रहे हो? हमने कल की क्लास में भी ऐसा कुछ किया था, अगर आपको याद हो तो, क्या किया था? हाँ छारवी, सही बात बोल रहे हो यार, लेंथी क्वेश्चन तो था वो। स्लोप की जरूरत नहीं है शेखर, ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन लेकिन किस डायरेक्शन में, इतनी मेहनत यशस्वी, कौन सी इक्वेशन सॉल्व करूं बरसन? ठीक है वो भी कर सकते हैं, लेकिन लाइन की इक्वेशन, हाँ लाइन की इक्वेशन है मेरे पास, और फिर आप बोल रहे हो कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ठीक है वो भी ठीक है। अब कुशाग्र ने तो आंसर ही दे दिया, हाँ हाँ, तो छारवी और मेरे ख्याल से बरसन सेम बात बोल रहे हैं कि ये एक वन ऑफ द सॉल्यूशंस है, आई अग्री, नॉट वेरी स्मार्ट बट ठीक है, कि सर्कल की इक्वेशन गिवन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है, दोनों के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करके, ए और बी आ जाएंगे, फिर उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी की लेंथ पता कर लो। यस यशस्वी इज नाउ एब्सोल्युटली करेक्ट, कि यार स्मार्टर वे पता है क्या है, पेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये तो मतलब कोई सोते वक्त भी पूछे ना तो बता दो, पेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब अगर आप सेंटर से, ए बी क्या है, कॉर्ड ही तो हुई ना सर्कल की, अगर आप सेंटर से ए बी पे परपेंडिकुलर गिराओगे ना, अगर आप सेंटर से ए बी पे परपेंडिकुलर गिराओगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी इंटू 2 equal halves। एक बार आप ये कर देते हो तो कोई भी एक एंड पॉइंट से सी को ज्वाइन करके आप राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर लो, आप राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर लो। अब सी से लेके बी तक आपका रेडियस है 5, सी से लेके बी तक आपका रेडियस है 5, और सी से लेके एम तक, सी से लेके ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम तक आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। आपके पास लाइन की इक्वेशन है 4x - 3y - 10 = 0, तो आप सेंटर से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के आप सीएम फाइंड कर सकते हो। सीएम क्या आ जाएगा आपके पास, मॉड ऑफ 4 × 1 - 3 × -2, मतलब +3 × 2 - 10 / √4² + 3²
इसका नाम मैं ए रख रही हूं। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने इसका नाम लेट से चलो कुछ नहीं रखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं मैं, तो 5² इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एमबी का स्क्वायर। तो एमबी का स्क्वायर आ जाएगा ना 5² प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट? तो यहां से एमबी आ जाएगा और मेरी एबी की लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एमबी। एबी की लेंथ आ जाएगी ट्वाइस ऑफ एमबी, खत्म हो गई बात। तो ये एक स्मार्ट जनरलाइज तरीका होता है जब भी आपको एक कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है कि आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, वो उस कॉर्ड को दो आधे आधे टुकड़ों में बांट देगा। अब आपको सिर्फ आधे टुकड़े की लेंथ निकालने की टेंशन लेनी है, आप राइट ट्राइंगल कंप्लीट करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यू आर डन। आधे टुकड़े की लेंथ निकल गई, उसको ट्वाइस कर दो, पूरे की निकल जाएगी। यू आर सो राइट चार्वी। यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर सीएम की लेंथ जीरो आ रही है, यहां पर सीएम की लेंथ जीरो आ रही है। सीएम जीरो आ रहा है मतलब ये जीरो आ रहा है, ए जीरो आ रहा है मतलब ए स्क्वायर जीरो आ रहा है। भाई सी से लेके लाइन तक का डिस्टेंस जीरो कब हो सकता है, व्हेन सी इज सिटिंग ऑन द लाइन, व्हेन सी इज सिटिंग ऑन द लाइन और व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू सी। मतलब मेरी ये जो गिवन लाइन है ना, ये सेंटर से पास हो रही है भाई, तो ये जो इंटरसेप्ट ए बी बनाएगी ना, ये डायामीटर होगा इस सर्कल का, ये डायामीटर होगा इस सर्कल का। तो उसकी लेंथ तो मैं डायरेक्टली निकाल सकती हूँ, ट्वाइस द रेडियस, रेडियस पांच है, ट्वाइस द रेडियस मतलब 10, एग्जैक्टली आदित्य। और अगर आप वो नहीं भी करते, अगर आप डायरेक्टली भी देखो यहां पर, अगर आप डायरेक्टली मैं बताऊंगी आपको, अगर मैं इस अप्रोच से भी बात करूं, तो ए स्क्वायर जीरो हो गया मतलब एमबी की लेंथ 5 हो गई, एमबी की लेंथ 5 हो गई तो ट्वाइस ऑफ एमबी मतलब ये 10 आ गया, समझ गए? लेकिन ना इन जनरल याद रखना, जब भी आप विजुलाइज करते हो, आपके पास एक सर्कल है, उसका सेंटर है आपके पास 1, -2। अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमेशा जब भी लाइन ड्रॉ करने की बात आए ना, तो जब आप ऐसे रैंडमली लाइन ड्रॉ करो, उससे पहले एक बार चेक कर लिया करो कि सेंटर को लाइन की इक्वेशन में रख दो। जब आप रखोगे तो आपके पास आएगा 4 × 1 - 3 × -2 - 10 विच इज 0। दैट मीन्स द लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर, विच मीन्स इट इज क्रिएटिंग द सेगमेंट ऑफ अ डायामीटर। This means AB is a diameter. तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, twice the radius, which means 2 × 5, which means 10 units. वही मैंने बोला कुशाग्र, ठीक है? This question definitely is halwa, provided सही direction में आपने सोच लिया. Okay, आगे बढ़े. Come to this one now. इट्स जे मेन 2022 का सवाल, दिस इज अ PYQ, एंड जस्ट इमेजिन इतनी थोड़ी सी पढ़ाई करके, हम तो सेकेंड लेक्चर में हैं अभी, यू आर इन अ पोजिशन टू क्रैक अ जे मेन PYQ क्वेश्चन। हाउ ब्रिलियंट, ऐसे आपको कॉन्फिडेंट फील करना है, दीज आर द क्वेश्चन विच आर लाइक कॉन्फिडेंस के इंजेक्शंस, ठीक है? इफ द सर्कल जो कि गिवन है आपको पासिस थ्रू द पॉइंट 6, 1 एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, देन द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द एक्स एक्सिस इज व्हाट। पहली बात तो यार, एक्स एक्सिस पे सर्कल का जो इंटरसेप्ट बनेगा ना, वो बनेगा ट्वाइस ऑफ अंडररूट जी स्क्वायर माइनस सी, वो बनेगा ट्वाइस ऑफ अंडररूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये मेरा आंसर होगा। लेकिन आंसर पता करने के लिए मेरे को जी और सी चाहिए, जी तो मेरा अननोन है, यहां पर जो c की वैल्यू है वो एक्चुअली -19c है, जिसमें ये वाला c भी अननोन है, तो पहले तो मेरे को g और c निकालने पड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो मेरे को बहुत ही ऑब्वियस लग रहा है यार, कि 6, 1 पॉइंट अगर इस सर्कल पे बैठा है तो इसकी इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही ना यार। क्या आने वाला है, 36 + 1 - 12g + 6 - 19c इज 0, तो 37 एंड देन 40 एंड देन 43, तो 43 इज इक्वल टू 12g + 19c, है ना? और अगर इस सर्कल के लिए थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए, तो इसका सेंटर क्या है, g, -3, माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोफिशियंट ऑफ x, माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोफिशियंट ऑफ y, ठीक है? g, -3 सेंटर है, और रेडियस की बात करूं तो अंडर रूट g स्क्वायर प्लस 9
प्लस 19c है। अच्छा, अगर सेंटर जी कॉमा माइनस 3 है और यहां लिखा है कि भाई सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, मतलब एक्स और वाई की जगह मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डालूंगी तो लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना, लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना, तो डालते हैं भाई। जी कॉमा माइनस 3 आ रहा था मेरा, तो जी कॉमा माइनस 3 को मैं यहां डालूंगी, तो आई विल गेट जी माइनस 2c इंटू माइनस 3 इज 8, मतलब जी प्लस 6c इज 8। ठीक है, ठीक है, ये आ गई अपनी दूसरी इक्वेशन। जब आप जी प्लस 6c इक्वल्स 8 और 43 इक्वल्स 12 जी प्लस 19c को सॉल्व करते हो, मुझे बताओ क्या जी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1 आ रही है क्या? जल्दी बताओ, क्या जी की वैल्यू 2 और सी की 1 आ रही है? हाय रघवेंद्र, बताओ फटाफट, बरसन फटाफट बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गिवन था कि सर्कल पे एक पॉइंट लाए कर रहा है, मैंने यूज करके एक इक्वेशन बना ली, फिर सर्कल का सेंटर निकाला, उसको लाइन की इक्वेशन में डाल के एक और जी और सी में इक्वेशन बना ली। तो आई एम गेटिंग आफ्टर सॉल्विंग बोथ दीज इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1। ठीक है, मतलब सर्कल क्या बन गया, जी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 19 इक्वल टू 0, दिस इज माई सर्कल की इक्वेशन, फाइनल वाली सर्कल की इक्वेशन। है ना, अब यहां पे निकाल लो भाई x इंटरसेप्ट, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, मतलब ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस मतलब यहां प्लस 19 आ जाएगा, तो 2√23, दिस इज योर आंसर। 2√3 नहीं ना, मेरे ख्याल से 2√23 होगा, 2√3 क्यों आ रहा है यार, 2√23 होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो है ना 2√3 आ रहा है क्या? हाँ, अच्छा गलती से लिख दिया था, ठीक है। हाय देव, गुड टू सी यू, कोई बात नहीं। ये तो यार बहुत ही चिंदी सवाल है, मतलब बहुत ही चिंदी, मैं चाह रही हूं इसको आप खुद करो होमवर्क, ये मैं नहीं करूंगी, दिस इज अ वेरी चिंदी सवाल। द पॉइंट सिटिंग डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू 1,0 ऑन दिस सर्कल, ये मेरे को इसका आंसर चाहिए कमेंट्स में, मेरे को इसका आंसर चाहिए कमेंट्स में। ठीक है, ठीक है, चार वी गॉट इट, इफ यू अंडरस्टूड योर मिस्टेक ग्रेट, वहां पे सी की कंफ्यूजन होना वैलिड था, आप चाहते तो आप कैपिटल सी से भी रिप्लेस कर सकते थे, नॉट अ प्रॉब्लम। पोजिशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, यार देखो जब आप एक सर्कल बनाते हो ना, जब आप, तो आई हैव टू इम्प्रूव ऑन मेकिंग माई सर्कल्स आई गेस, ओके बेटर। यहां पर सर्कल आपने बनाया, कोई भी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल तीन जगह लाए कर सकता है, या तो पॉइंट पी उसके बाहर लाए करेगा, या तो पॉइंट पी उसके ऊपर लाए करेगा, और या तो पॉइंट पी उसके अंदर लाए करेगा। यार देखो, अब अगर ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका सर्कल है, तो इसका सेंटर तो पक्का से क्या होगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा ना, राइट, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा। अगर आप सेंटर से पी को ज्वाइन करते हो तो इस सिचुएशन में आपको क्या मिल रहा है कि सी से लेके सर्कल तक तो रेडियस है, रेडियस के बाद एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, मतलब इतना पता चल गया कि सी पी इज ग्रेटर देन आर, व्हेन सी पी इज ग्रेटर देन आर इंप्लाइज पॉइंट लाइज आउटसाइड, व्हेन सी पी इज ग्रेटर देन आर दैट मीन्स पॉइंट लाइज आउटसाइड, लेकिन जब C से लेके P तक का डिस्टेंस रेडियस के ही बराबर है, मतलब पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल, और जब C से लेके P तक का डिस्टेंस रेडियस से भी कम है, आप देख रहे हो ना CP जो है वो रेडियस से भी कम है, रेडियस कब होगा, जब ये एक्सटेंड होके पूरा सर्कल तक जाए, अगर ये एक्सटेंड होके सर्कल तक पहुंचा तब ये रेडियस होगा ना, अभी तो ये रेडियस के पहले ही रुक गया, तो इस केस में CP इज लेस देन आर, दैट मीन्स इनसाइड द सर्कल, राइट, समझ में आया। लेकिन अब इसका
इसका प्रूफ क्या है मैम? इसका प्रूफ बताती हूँ मैं, ये आपका सेंटर है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं सी पी ग्रेटर देन आर बोलती हूँ, सपोज मैं इस वाले पॉइंट आउटसाइड के लिए प्रूफ कर रही हूँ, तो सी पी होगा क्या? पी लेट से पॉइंट एक्स वन वाई वन है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स वन प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई वन प्लस एफ का होल स्क्वायर, है ना? सी पी यही तो है, इज ग्रेटर देन द रेडियस। रेडियस क्या होता है? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही तो होता है, यही तो होता है। मतलब कि दोनों साइड से अंडर रूट हटा सकती हूं मैं, क्योंकि अंदर अंदर सारी नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज बैठी हैं, तो आई विल गेट एक्स वन स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ वाई वन इज ग्रेटर देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये जी स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर क्या, सी को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो यू विल गेट एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो। ये क्या लिखा है यहां पे? अगर इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर मैं इस वाले कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को एस मानती हूं, तो इस एस एक्सप्रेशन में जब मैंने एक्स कॉमा वाई को एक्स वन वाई वन रख दिया, तब मेरे पास यही तो आएगा। मेरे एस वाले एक्सप्रेशन में एक्स को एक्स वन से रिप्लेस करो, वाई को वाई वन से रिप्लेस करो, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स को बिल्कुल मत छेड़ो, तो आपको क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा। इसका नाम इसीलिए हम रखते हैं एस वन। एस वन इज नथिंग बट एस वाले एक्सप्रेशन में एक्स की जगह एक्स वन और वाई की जगह आप वाई वन डाल देते हो, ठीक है? तो आपको क्या मिल रहा है? एस वन ग्रेटर देन जीरो इंप्लाइज आउटसाइड, एस वन इक्वल टू जीरो विल इंप्लाई इनसाइड, एंड एस वन लेस देन जीरो विल इंप्लाई, एस वन ग्रेटर देन जीरो इंप्लाइज आउटसाइड, इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ऑन, लेस देन जीरो इंप्लाइज इनसाइड, ठीक है? तो हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ जो सब कुछ लेफ्ट में लाना है, सब कुछ लेफ्ट में लाना है, वो मेरा एस एक्सप्रेशन है, ठीक है? एक्स वाई की जगह एक्स वन वाई वन रखना है, अगर एस लेस देन जीरो आया मतलब इनसाइड, ग्रेटर देन जीरो मतलब आउटसाइड, इक्वल टू जीरो मतलब ऑन। easy peasy lemon squeezy concept, let's talk about this one. Circle does not touch or intersect the coordinate axis and this point is lying inside the circle. What is the range of values of lambda? Hi Bhavesh, welcome to the class. Kare isko, मुझे लिखा एक सर्कल है भाई जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को ही टच नहीं करता। अच्छा ठीक है भाई, अच्छी बात है। क्या है ये सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टेन वाई प्लस लैम्डा, तो इसका सेंटर तो निकाल ही सकते हैं हम। इसका सेंटर हो जाएगा थ्री कॉमा फाइव, ये बात तो सही है, और वन कॉमा फोर कोई और पॉइंट है जो इसके अंदर बैठा है। पहली बात तो अगर वन कॉमा फोर इसके अंदर बैठा है ना, इसको पी नाम दे देते हैं, वन कॉमा फोर इसके अंदर है, मतलब मैं अपना फैक्ट यूज करती हूँ कि भाई ये मेरा एस है, ये मेरा एस है, तो मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे क्या मिल रहा है जरा बताना, कि x को 1 रखती हूं मैं और y को 4 रखती हूं प्लस लैम्डा इज जीरो, नॉट इज जीरो, इट इज लेस देन जीरो, है ना? s1 इज लेस देन जीरो, बिल्कुल सही बात है। 17 माइनस सिक्स इज 11, 11 माइनस 40 प्लस लैम्डा लेस देन जीरो, है ना? मतलब ये क्या आया, लैम्डा लेस देन 29। ये तो एक चीज आ गई, और कुछ दिख रहा है क्या आपको? और कुछ दिख रहा है क्या? एक और चीज नोटिस करना, ठीक है? अगर मैं सेंटर से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, अगर मैं सेंटर से वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, लेट्स से ये लोग एम और एन पे सर्कल को मीट कर रहे हैं, तो क्या आप अग्री करते हो कि C से लेके M तक अपना रेडियस है, C से लेके N तक भी अपना रेडियस है, लेकिन इसका नाम अगर N1 और इसका नाम M1 रखती हूं, तो C से लेके N1 तक का डिस्टेंस है 5
और सी से लेके M1 तक का डिस्टेंस है 3। तो क्या हमें दिख रहा है कि जो 5 है वो रेडियस से बड़ा है, क्योंकि सर्कल एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, वो उसके स्ट्रिक्टली ऊपर या नीचे है। तो रेडियस तो 5 से छोटा होगा, लेकिन रेडियस 3 से भी छोटा होगा, क्योंकि वाई एक्सिस को भी टच नहीं कर रहा है ना सर्कल, ना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं एक चीज बोल सकती हूं कि आर इज लेस देन 3 एंड आर इज लेस देन 5। आर हमने निकाला क्या? नहीं निकाला। अच्छा, आर इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। दिस इज व्हाट, 34 माइनस लैम्डा ना, अंडर रूट 34 माइनस लैम्डा। तो अंडर रूट 34 माइनस लैम्डा इज लेस देन 3, मतलब 34 माइनस लैम्डा इज लेस देन 9, मतलब 34 माइनस 9 इज लेस देन लैम्डा। तो 25 आ गया ना यहाँ पे, 25 आ गया ना यहाँ पे। एंड एक और चीज आ गई ना, अंडर रूट 34 माइनस लैम्डा इज लेस देन 5, मतलब 34 माइनस लैम्डा इज लेस देन 25। तो 34 माइनस 25 इज लेस देन लैम्डा, 9 इज लेस देन लैम्डा। तो यहां से हमारे पास आ रहा है लैम्डा इज ग्रेटर देन 9, लैम्डा इज ग्रेटर देन 25। एक और चीज है, एक और चीज है, अगर ये सर्कल है जिसके अंदर सेंटर है 3.5 और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट 1.4 भी बैठा है, तो क्या ये सर्कल पॉइंट सर्कल हो सकता है क्या? एक बात बताओ, क्या ये सर्कल पॉइंट सर्कल हो सकता है? हमने कल पढ़ा है पॉइंट सर्कल क्या है, हमने कल पढ़ा है पॉइंट सर्कल क्या है। नहीं हो सकता ना छारवी, क्यों नहीं हो सकता बच्चे? ये सर्कल पॉइंट सर्कल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पॉइंट सर्कल के अंदर सिर्फ सेंटर होता है। अगर सेंटर के अलावा एक भी और पॉइंट आया, मतलब इसका रेडियस जीरो नहीं है, इसका रेडियस कुछ तो पॉजिटिव है। तो हम एक और चीज तो कह सकते हैं कि ऑल्सो रेडियस इज पॉजिटिव, मतलब अंडर रूट 34 माइनस लैम्डा इज पॉजिटिव, मतलब 34 माइनस लैम्डा इज पॉजिटिव। यस, मतलब लैम्डा इज लेस देन 34। तो लैम्डा 29 से कम है एंड 34 से भी कम है, मतलब 29 से तो कम है ही, और ये 9 से बड़ा है और 25 से भी बड़ा होना चाहिए, मतलब 25 से बड़ा रखेंगे हम इसको। वेरी गुड, 25 से बड़ा रखेंगे और 29 से छोटा रखेंगे, मतलब कि 25 से बड़ा रखेंगे 29 से छोटा रखेंगे। समझ गए? तो बहुत सारी चीजें यूज कर ली हमने यहां पे, मतलब बेहतरीन क्वेश्चन यार। इसमें लगता है विजुअलाइजेशन, और अगर आप विजुअलाइज कर पाए कि इतनी सारी कंडीशंस को यूज करके कैसे आंसर तक पहुंचे हैं, देन इट्स अ मस्ट फॉर यू टू लाइक द सेशन राइट नाउ, स्ट्रेट अवे। इफ यू हैव नॉट लाइक्ड इट येट, हिट दैट लाइक बटन इफ यू हैव लिटरली इंजॉयड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देर आर मोर क्वेश्चन टू कम अप एंड यू आर लिटरली गोइंग टू लव सॉल्विंग देम, यू विल इंजॉय लर्निंग अबाउट देम, यू विल इंजॉय डीकोडिंग देम। ओके, बढ़े आगे, अगले सवाल पे चलें। ये रहा, इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, देन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ एंड ए बी इज वॉट। ये भी एक बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा आपको इफ यू वॉन्ट टू क्रैक दिस क्वेश्चन। आई रियली रियली लाइक दिस क्वेश्चन एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू सॉल्व इट, आई वॉन्ट यू गाइज टू सॉल्व इट। शुरू करें, पासिस थ्रू ओरिजिन। अच्छा, तो भाई सर्कल है मेरे पास, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। तो एक काम करते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं, ठीक है? सो दिस इज माय सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इट इज इंटरसेक्टिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। कूल। अच्छा जी, सर्कल इज ऑफ रेडियस आर। अच्छा, बताना जरा मुझे क्या चाहिए। लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू ए बी, ये टू ए बी होगा, तो ए से लेके बी तक एक सेगमेंट बना के मैंने ज्वाइन कर लिया, ओरिजिन जो है वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया है, वो परपेंडिकुलर का जो फुट है ना उसका नाम मैं एम रख रही हूं, और एम का लोकस मेरे को चाहिए, जिसका लोकस मेरे को चाहिए होता है मैं उसको एच कॉमा के मानती हूं। अब मुझे एक और चीज समझनी है कि यार अगर M का लोकस मेरे को चाहिए
अगर मेरे को m का लोकस चाहिए तो क्या मैं ये देख पा रही हूं कि ओरिजिन इज नथिंग बट 0 कॉमा 0, करेक्ट? यानी कि अगर मैं स्लोप ऑफ om निकालूं तो ये क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब k बाय h आएगा। और क्योंकि om जो है वो ऑब्वियसली ab के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ ab क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब माइनस h बाय k। मतलब ए बी का स्लोप मेरे को पता है एंड वन ऑफ द पॉइंट सिटिंग ऑन इट इज एच कॉमा के, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से मैं ए बी की इक्वेशन निकाल सकती हूं। वाई माइनस वाई वन इज माइनस एच बाई के स्लोप टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, तो यह आएगा वाई के माइनस के स्क्वेयर इज माइनस एक्स एच प्लस एच स्क्वेयर, मतलब एक्स एच प्लस वाई के इज एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। ये क्या आ गई, ए बी की इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई, ए बी की इक्वेशन आ गई। अच्छा अब क्या करें मैम, ए बी की इक्वेशन आ गई, अब क्या करें? अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करके ये जो ए बी है ये ए और बी प्रोड्यूस कर रही है ना, तो अगर मैं इसमें एक्स को जीरो रखती हूं तो वाई की वैल्यू आती है एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर अपॉन के, मतलब बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जीरो कॉमा एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर अपॉन के। और अगर मैं वाई को जीरो रखती हूं इसमें तो एक्स आ जाएगा एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर अपॉन एच, मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर अपॉन एच कॉमा जीरो। तो मैम अब किसी ने भी मेरे को एक चीज नहीं बताई जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस सवाल में, कि क्या आप ए बी की कोई खासियत पहचान पा रहे हो? क्या कोई भी बच्चा आउट ऑफ ऑल ऑफ यू इज एबल टू रिकॉग्नाइज द क्वालिटी ऑफ ए बी, द फीचर शेयर्ड बाय ए बी, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बी? सोचो 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 भाग्य, थोड़ा और सोचो। एनीबडी एल्स हु अग्रीज विद भाग्य और हु डज नॉट अग्री विद भाग्य? मैंने एक्स स्क्वेयर लिख दिया क्या? ओ सो सॉरी, हाँ एच स्क्वेयर। अभ्युदय सिंह डायमीटर है, भाग्य पूछ रहे डायमीटर है कि नहीं, और कोई? अगर डायमीटर लग रहा है तो क्यों लग रहा है, कोई रीजन दे सकते हो? कोई रीजन दे सकते हो क्यों डायमीटर लग रहा है? ये कुछ तो गट फीलिंग आ रही होगी या कुछ तो रीजन दिख रहा होगा, क्या हो रहा है, मतलब क्या क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? हाँ Why do you think is the diameter? And how many of you all agree with the fact that it's a diameter? Yes, Yashasvi, correct. Angle in a semicircle is 90 degree. अगर आप AOB angle देखो, अगर यहां पर AOB angle देखो, then it is of measure 90 degrees. मतलब आपका जो ए बी है वो डायामीटर है जो सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में बांट रहा है, समझ रहे हो? तो ए बी आपका डायामीटर है, मतलब ए बी की लेंथ क्या होगी, टू टाइम्स द रेडियस। और ए बी की लेंथ कैसे निकलेगी, अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के का होल स्क्वायर इज 2r। तो अगर मैं ये अंडर रूट को हटा के यहां पर स्क्वायर करूं, सो दिस इज 4r स्क्वायर। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यू विल गेट एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एच के एंड कॉन्स्टेंट्स। कैपिटल आर भी कॉन्स्टेंट ही है, वो कोई अननेसेसरी वेरिएबल नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। तो आपको एंड में बस इतना करना है कि एच को एक्स से रिप्लेस करना है और k को y से, दैट्स इट। फर्स्ट ऑन सीइंग द फिगर आई हैड एन इंट्यूशन दैट ab शुड बी द डायमीटर, देन आई प्रूव्ड इट बाय सीइंग 90 डिग्री। देखो यार मैथ्स में ना एक रूल है, मैं एक बात बताती हूँ, ये मैंने अपने मास्टर्स में सीखा था, वन ऑफ माई टीचर्स, शी वॉज माई फेवरेट टीचर, मोनिका मैम, आई होप दैट शी इज लिसनिंग। शी टोल्ड मी, यू नो आई रिमेंबर, आई टेल यू एन इंसिडेंट। सो देयर वॉज लीनियर एल्जेब्रा की क्लास चल रही थी, देयर समथिंग कॉल्ड लीनियर एल्जेब्रा, यू स्टडी इट इफ यू लेटर स्टडी मैथ। तो लीनियर एल्जेब्रा की क्लास में ना कुछ तो भी मैट्रिक्स बनी थी,
वो 3x3, 4x4 नहीं थी, वो काफी सारे वेरिएबल्स की थी, काफी सारे रोज एंड कॉलम्स थे उसमें। तो कुछ उन्होंने पूछा था कि यहाँ पर पिवट एलिमेंट क्या आएगा, और मैंने कहा था मैम वन ही आएगा। आई लिटरली रेज्ड माई हैंड, देयर वॉज नोबडी आंसरिंग इन द क्लास। आई सेड मैम मुझे पता है, एंड शी सेड हाँ भूमिका आंसर दो, एंड आई सेड मैम वन आएगा पिवट एलिमेंट, क्योंकि मुझे ना पैटर्न देख के लग रहा था, वो बाकी के एलिमेंट्स और बाकी के जो मेंबर्स थे मैट्रिक्स के उसमें देख के लग रहा था यार ये पिवट एलिमेंट वन आना चाहिए। एंड आई सेड मैम वन आएगा, एंड शी सेड कि कैसे एक्सप्लेन, एंड आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। आई सेड यार मैम पैटर्न देख के लग रहा है मैम, ऐसा लग तो रहा है यही आना चाहिए, और जो राइट हैंड साइड प्रूव करना है वो भी तब प्रूव हो जाएगा मैम जब यहाँ वन आ जाएगा। एंड दैट्स व्हेन शी सेड दिस लाइन व्हिच इज देयर इन माय ब्रेन, नेवर rely on your eyes. Okay, when it comes to, so with respect to, especially with respect to maths, always try to reason, always try to explain, always try to prove why you feel what you feel, why you think what you think, why are you answering a certain way, why do you think this value should be the answer, why, and how. Okay, it's fine, I completely empathize with the fact ki ma'am intuition aa raha tha, lag raha tha, par reason sochna zaruri hai because it was angle in a semicircle. Theek hai? दिस इज ऑल्सो वन टॉपिक जिसपे जेई मेन हमेशा सवाल पूछ रहा है यार। 2021 उठा लो, 22 उठा लो, इतनी बार ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल। ये तो मतलब ना याद रहना चाहिए बकायदा एकदम इज्जत से कि कोई पॉइंट है वो सर्कल के किस पॉइंट से मैक्सिमम दूरी पे है और किस पॉइंट से मिनिमम दूरी पे है। इसके लिए बस एक आंसर याद रखना कि मैक्स एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑलवेज अकर अलोंग द नॉर्मल। प्लीज रिमेंबर दिस ऑलवेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑलवेज अकर्स अलोंग द नॉर्मल। नॉर्मल भाई, सर्कल की नॉर्मल क्या होती है? किसी ने 10वीं में पढ़ा है? किसी ने 10वीं में पढ़ा है सर्कल की नॉर्मल क्या होती है? एनीबॉडी? सही बात है। नहीं, छारवी टेंजेंट पे कहां चले गए? टेंजेंट इज टेंजेंट, नॉर्मल इज नॉर्मल। टेंजेंट अलग है, नॉर्मल अलग है। टेंजेंट के जो लाइन परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसको नॉर्मल बोलते हैं। आदित्य सही बात बोल रहा है, नॉर्मल क्या होती है सर्कल की? एनी लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, एनी लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना जब आपके पास कोई लाइन सेंटर से पास होती है, सपोज ये सेंटर है और आपके पास कोई लाइन सेंटर से पास हो रही है, तो आपको पता है कि वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे काटेगी, एक पॉइंट ए पे, एक पॉइंट बी पे। तो ए बी आपका डायमीटर है, इतना तो आपको पता है। मैं कह रही हूं ये जो लाइन एल बनाई है आपने, ये नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि आप ए पॉइंट पे जब सर्कल का टेंजेंट बनाओगे ना और बी पॉइंट पे जब सर्कल का टेंजेंट बनाओगे, तो पहली बात तो ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगे, और दूसरी बात ये है कि जो सी से लेके बी तक है वो रेडियस है, और हमने पढ़ा है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब सी से लेके ए तक भी तो रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब आपको इवेंचुअली क्या समझ आया कि मेरी जो लाइन एल है ये दोनों टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर है, तो मेरी लाइन एल नॉर्मली तो हुई। नॉर्मल हम कहते हैं नॉर्मल एट पॉइंट बी। अगर मैं कहती हूं एल वाली लाइन इज नॉर्मल एट पॉइंट बी, मतलब कि बी पे जो टेंजेंट बना है ये लाइन उसके परपेंडिकुलर है। अगर मैं कहती हूं एल इज नॉर्मल एट ए, मतलब ए पे जो टेंजेंट बना है ये लाइन उसके परपेंडिकुलर है।
तो जब भी आप सर्कल पे कोई भी लाइन बनाते हो जो सेंटर से पास होती है तो वो नॉर्मल 100% होती है। ठीक है, गॉट इट भाग्य? अच्छे से कूल cool. तो मैं कह रही हूं मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑलवेज अकर अलोंग द नॉर्मल। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है देखना, ठीक है? यस, कि सपोज, अच्छा मैं चलो आपको दिखाई देती हूं। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर लाए करता है, लेट मी शो इट टू यू। अगर मेरे पास एक सर्कल है उसका सेंटर मेरे को गिवन है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, मेरा सवाल है कि सर्कल पे बैठे किस पॉइंट से वो मैक्सिमम दूरी पे होगा और वो मैक्सिमम दूरी क्या होगी, कोई बता सकता है? कॉमन सेंस लगाओ कि पॉइंट पी सर्कल के किस पॉइंट से मैक्सिमम दूरी पे होगा और वो मैक्सिमम दूरी क्या होगी। आपका आंसर ये होना चाहिए, मैम पहले तो आप एक लाइन बनाओ जो सेंटर से पास होती है लेकिन पी से भी पास होती है। तो हमको पता है टू पॉइंट्स डिटरमिन अ यूनिक लाइन, तो मैं जी और पी को ज्वाइन करके एक यूनिक लाइन बना सकती हूं जो कि नॉर्मल होगी। मैंने बताया ना आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑलवेज अकर अलोंग द नॉर्मल, तो पी पॉइंट से पास होती हुई मैंने एक नॉर्मल बना दी। अब ये नॉर्मल सर्कल को दो पॉइंट पे काटती है, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। जो पी है ना, सपोज मैंने इसका नाम ए, इसका बी रखा, जो पी है ना वो बी पॉइंट से मैक्सिमम दूरी पे है और ए पॉइंट से वो मिनिमम दूरी पे है। समझ रहे हो? इसीलिए मैक्स एंड मिन डिस्टेंस ऑलवेज अकर अलोंग द नॉर्मल। अब जो मैक्स डिस्टेंस है पी से लेके बी तक का, वो कैसे मिलेगा आपको? कि भाई आपके पास पी है, आपके पास सेंटर सी है, आप पी सी निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला से, उसके बाद सी से लेके बी तक का डिस्टेंस तो रेडियस ही है ना, तो उसमें रेडियस ऐड कर देना बस, और क्या। वेरी गुड आदित्य। लेकिन अगर मेरे को मिनिमम डिस्टेंस निकालना है विच इज पी ए, तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी भाई, पी से लेके सी तक का डिस्टेंस मैं तब भी निकालूंगी लेकिन अब मैं उसमें से रेडियस माइनस कर दूंगी। वेरी गुड भाग्य। तो ये मिल जाएगा अपने को मिनिमम और ये मिल जाएगा अपने को मैक्सिमम। समझे? इजी लगा? लगा? लेकिन अगर पॉइंट ऑन द सर्कल हो गया तब क्या करेंगे भाई, लेट मी रब दिस। अगर पॉइंट ऑन द सर्कल हो गया तो क्या करोगे? ऑन द सर्कल हो गया तो फिर से आप सेंटर और पी से पास होने वाली पहले तो नॉर्मल बना लेना भाई, सेंटर और पी से पास होने वाली पहले तो आप नॉर्मल बना लेना। ये रही नॉर्मल, ठीक है? अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी पता है, एक्स वन वाई वन आपको पता है। ये नॉर्मल दो पॉइंट पे काट रहा है सर्कल को, एक ए है एक बी है। ए क्या है? ए तो खुद पी है है ना? तो B से इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा भाई, P भी यहां पर मैक्सिमम होगा, P भी यहां पर मैक्सिमम होगा, विच इज वेरी गुड भाग्य 2R। कैसे पता चला आपको? P से लेके C तक, C से लेके B तक तो रेडियस ही है लेकिन P से लेके C तक भी तो रेडियस ही है, तो 2R ना, क्योंकि P B इज नथिंग बट डायमीटर इन दिस केस। तो जो पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट बैठा होगा ना P के, वो फार्देस्ट होगा सर्कल के, सर्कल में वो पॉइंट पी से फार्देस्ट होगा जो उससे डायमेट्रिकली ऑपोजिट बैठा होगा। और मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा? अरे पी खुद सर्कल पे है यार, तो उसके सबसे ज्यादा पास तो खुद पी ही है, तो मतलब मिनिमम डिस्टेंस जीरो है एंड द पॉइंट सिटिंग क्लोजेस्ट टू पी इज पी ओनली, ठीक है? एंड व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, तब भी आपको कुछ नहीं करना, पहले तो नॉर्मल बनानी है। सबसे पहले तो देखो नॉर्मल बनाओ, बिकॉज मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस ऑलवेज अकर्स अलोंग द नॉर्मल। अब यहां बताना जरा आंसर कि मैक्सिमम क्या होगा भाई। ये नॉर्मल भी दो पॉइंट्स पे काट रही है सर्कल को, इसको ए दे दो या फिर इसको, इसको ए दे दो और इसको बी दे दो, तो मैक्सिमम तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा पी बी है। और पी बी कैसे निकलेगा? पी से लेके सी तक का डिस्टेंस प्लस द रेडियस, है कि नहीं? और मिनिमम क्या होगा? पी ए, वो कैसे निकलेगा?
वो कैसे निकलेगा भाई? रेडियस में से आपको पीसी माइनस करना पड़ेगा, रेडियस ज्यादा है अब, सी से लेके ए तक तो रेडियस है ना, उसमें से आपको सी से लेके पी तक का डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट? तो रेडियस में से सी पी माइनस करना पड़ेगा, रेडियस बड़ा है ना? हाँ बिल्कुल भाई, छारवी अगर पॉइंट अंदर बैठेगा तो सीपी तो छोटा ही होगा ना रेडियस से, तो रेडियस माइनस सीपी लिख लो, एक ही बात है, खैर मॉड में भी कोई बुराई नहीं है। पी ए इज इक्वल टू आर, नहीं पी ए इज नॉट इक्वल टू आर ना, ठीक है, आई होप लॉजिक इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइन एंड सर्कल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है और बड़ा इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है। अगर आपके पास एक सर्कल है, ध्यान से सुनना मेरी बात, दिस इज द कॉन्सेप्ट विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, इट्स वेरी इंट्यूटिव, कि अगर आपके पास एक सर्कल है और एक लाइन है, अगर एक लाइन सर्कल को काट के जा रही है, मतलब एक सीकेंट या फिर एक कॉर्ड प्रोड्यूस कर रही है, मतलब ये फर्स्ट सिचुएशन हो रही है जिसमें कि लाइन सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटती है। इसके लिए कंडीशन ये होती है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ना, ये रेडियस से छोटा होगा, तो पी इज लेस देन आर। अगर लाइन सर्कल को टच करके जा रही है एक सिंगल पॉइंट पे, मतलब कि टेंजेंट है लाइन अगर सर्कल का, तो मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट विल बी इक्वल टू द रेडियस, ठीक है, पी विल बी इक्वल टू आर। और अगर लाइन ना काट रही है ना टच कर रही है, मतलब इट इज अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इस सिचुएशन में जब आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे लाइन पे, तो वो रेडियस से ज्यादा हो जाएगा, मतलब पी इज ग्रेटर देन आर। तो जब आप लाइन की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन साथ में सॉल्व करते हो, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि पहली सिचुएशन है। अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ रहा है, मतलब इक्वल रूट्स आ रहे हैं, मतलब ये दूसरी सिचुएशन है। और अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब देर आर नो रियल रूट्स, तो तीसरी सिचुएशन है। क्योंकि दो इक्वेशंस को साथ में सॉल्व करके आपको उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलते हैं ना, तो जब आप सर्कल की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करोगे, तो आपके पास क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ सर्कल एंड लाइन। समझ में आया? इसीलिए डी पॉजिटिव मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है, डी जीरो मतलब एग्जैक्टली एक पॉइंट पे सर्कल टच कर रहा है, डी लेस देन जीरो मतलब सर्कल और लाइन का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक। अब यहां आते हैं, इफ अ वेरिएबल लाइन इज सच दैट द टू सर्कल्स आर ऑन इट्स ऑपोजिट साइड्स, देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा विल लाई इन विच इंटरवल? टेल मी क्विकली। बिल्कुल बिल्कुल डीजे, आपके पास देखो कम समय है, वन शॉट में क्वालिटी प्रैक्टिस करवाई जाती है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जाता है, इट्स नॉट लाइक सिर्फ ऊपर ऊपर से, लेकिन अगर आपको कोई प्रूफ जानना जरूरी है, कोई डेरिवेशन जानना जरूरी है, तो वो समझाया जाता है, सिखाया जाता है, एटलीस्ट मैं तो सिखाती हूँ। जहाँ मुझे लगता है यार छोटे से रिजल्ट को अगर प्रूफ करके, अगर ज़्यादा लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ नहीं है, तो छोटा सा रिजल्ट है, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा दो तीन स्टेप का डेरिवेशन करके वो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, तो आई तो ऑलवेज डू दैट। मेरे वन शॉट्स में आपको हमेशा छोटे छोटे डेरिवेशंस मिलेंगे, प्रूफ्स मिलेंगे, जस्टिफिकेशंस मिलेंगी, जिससे आपको वो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा यार। नहीं तो अगर ऊपर ऊपर से मैंने पढ़ाया ना, या कोई भी टीचर जो आपको एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ा के एक घंटे में वन शॉट करके चैप्टर खत्म कर रहा है, मतलब वो बस चाह रहा है आप रट्टा मार लो, और रट्टा मारना इज नॉट द आंसर। तो थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा समय इन्वेस्टमेंट, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, अटेंशन इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा दो, और हल्का डिटेल वाला जो वन शॉट है ना, हल्का, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे वन शॉट्स अगर आप देखते हो, तो आपको छोटे छोटे डेरिवेशंस मिलेंगे, सारे PYQs मिलेंगे, तो उसमें आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के क्वालिटी प्रैक्टिस कर सकते हो यार। और एक बार वो वन शॉट खत्म हुआ ना, तो वो चैप्टर उतर जाएगा आपके जहन में पूरे तरीके से। लेकिन अगर ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, तो फिर वन शॉट देखने के बाद फिर बैठना पड़ेगा उस पूरी चीज़ों का रट्टा मारने के लिए। वॉट वॉट इज द सेंस? जा तो डबल टाइम रहा है ना। तो बजाय इसके थोड़ा ज्यादा टाइम वन शॉट में लगा के अच्छे से समझ के वहीं सारा चैप्टर निपटा दो ना। और वन शॉट इज गुड थिंग यार। अगर कोई चैप्टर आपका वीक है और आपको लग रहा है कि यार उसको प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास कम टाइम है, उसका वन शॉट आपको मिल गया, प्लीज गो थ्रू इट।
और मैंने आपको कंडीशन बता दी कि उस वन शॉट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बताओ ना चार्वी। देखो ये लाइन है, दो सर्कल्स हैं, ठीक है, दो सर्कल्स हैं आपके पास। जो पहला सर्कल है ना, इसका सेंटर क्या है, देखो लाइन की इक्वेशन लिख देती हूं मैं। दिस इज 3x प्लस 4y माइनस लैम्बडा इज जीरो। सर्कल दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अच्छा सेंटर क्या बन गया, मतलब इसका 1, 1, और इसका रेडियस क्या बन गया, मतलब अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब ये तो 1 ही बन गया। और अगर मैं दूसरे सर्कल का सेंटर देखूं, चलो इसको C1 नाम दे देते हैं, इसको C2 नाम दे देंगे। दूसरा है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 2y, मतलब इसका सेंटर हो गया 9, 1, और इसका रेडियस हो गया अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 78। 4 आ रहा है क्या इसका आंसर, मतलब 2 आना चाहिए, अंडर रूट 4 इज 2। देखें पद्मजा क्या होगा। ठीक है ठीक है दिलीप, डिफरेंशियल इक्वेशन आई विल मेक श्योर आई एम ब्रिंगिंग इट वेरी वेरी सून। नो डीजे, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। 60-70% सिलेबस का रिपीटेड रिवीजन करना, हाई वेटेज टॉपिक्स कवर करना, दैट इज व्हाट विल फेच यू अ ग्रेट रैंक। PYQs करना ओनली बेस्ड ऑन 60-70% सिलेबस इज इनफ। 100% के पीछे भाग रहे हो लेकिन क्वालिटी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, क्वालिटी प्रेप नहीं हो पा रही, कोई मतलब नहीं है, आगे पार्ट पीछे सपाटी होगा बस। ठीक है हो गया ये, क्योंकि क्योंकि सर्कल्स दोनों के दोनों लाइन के ऑपोजिट साइड लाए कर रहे हैं, मतलब इतना तो श्योर है, इतना तो श्योर है कि दोनों जो C1 C2 सेंटर्स है ना, वो भी तो लाइन के ऑपोजिट साइड लाए कर रहे हैं, है कि नहीं। तो 1, 1 एंड 9, 1 लाए ऑन ऑपोजिट साइड्स टू लाइन L, और हमने ये पढ़ा है स्ट्रेट लाइंस में, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस यूज हो गया है। तो फिर से मैं कह रही हूं, जिसने स्ट्रेट लाइंस नहीं देखा है प्लीज टाइप स्ट्रेट लाइंस भूमिका मैम AMJEE 2024, आपके पास पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, प्लीज वॉच इट, वॉच इट। ओके यहां आते हैं, लाइन क्या दी हुई है मेरे पास, 3x प्लस 4y माइनस लैम्बडा इक्वल टू जीरो। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में एक बार C1 रखूंगी, फिर C2 रखूंगी, और दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा बिकॉज दे विल बी ऑफ ऑपोजिट साइंस, ऑपोजिट साइड मतलब ऑपोजिट साइंस। ठीक है, तो 3 प्लस 4 माइनस लैम्बडा इंटू 9 3 27 प्लस 4 माइनस लैम्बडा इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये आ गया 7 माइनस लैम्बडा, 31 माइनस लैम्बडा लेस देन जीरो, मतलब लैम्बडा माइनस 7 लैम्बडा माइनस 31 लेस देन जीरो। वेवी कर्व मेथड आया, ये 7 ये 31 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे हॉलो सर्कल, दिस इंप्लाइज लैम्बडा बिलोंग्स टू 7, 31। ठीक कुश, मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है हाउ टू क्लियर बैकलॉग को लेके, जिसमें एग्जैक्ट क्रिस्प पेन एकदम मतलब धांसू पॉइंट्स शेयर किए मैंने आपके साथ कि कैसे आप अपने पुराने जो इकट्ठे चैप्टर्स हो गए उनको कैसे क्लियर करो, प्लीज वॉच इट। ठीक है, अब आते हैं चार्वी के सवाल पे। मैम लाइन को टच करवाएं कि दूर बनाएं, मैम क्या करें? अब देखो एक चीज समझना, ठीक है, लैंग्वेज इज प्लेइंग गेम्स विथ यू। लैंग्वेज कह रही है दोनों सर्कल्स आर सिटिंग ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लाइन, राइट, दोनों सर्कल्स आर सिटिंग ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन, तो डेफिनेटली सर्कल्स एक दूसरे को टच तो कर नहीं सकते, सर्कल्स एक दूसरे को टच तो कर नहीं सकते, मतलब लाइन लाइन दोनों सर्कल्स को टच करे ये तो नहीं हो सकता, है कि नहीं, हाँ समझ रहे हो। अच्छा मैं एक बात बताती हूं कि अगर ये वेरिएबल लाइन है तो ये एक बात तो श्योर है कि क्योंकि दोनों सर्कल्स लाइन के ऑपोजिट साइड बैठे हैं तो कोई भी लाइन, ये वाली लाइन किसी भी सर्कल को काट के नहीं जा सकती, ये समझ आया भाई? ये जो मेरी लाइन है ना, क्या ये ऐसे सर्कल को काट के जा सकती है? क्या ये लाइन ऐसी हो सकती है? यस और नो, क्या लाइन ऐसी बन सकती थी? चार्वी क्या मैं लाइन को ऐसा बना सकती हूं? इज दिस करेक्ट और इज दिस इनकरेक्ट? क्विकली टेल मी। पद्मजा इज सेइंग नो मैम, नो मैम,
स्वाति सेज यस मैम, छारवी सेज नो मैम. नो है इसका आंसर क्योंकि मुझे क्लियर लिखा है कि सर्कल्स आर लाइंग ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन. मतलब लाइन ऐसे सर्कल को काट के थोड़ी जाएगी, इससे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा ना. अभी दिस सिचुएशन इज नॉट इम्प्लाइंग कि बोथ द सर्कल्स आर लाइंग ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन. ये सिचुएशन इज नॉट इम्प्लाइंग दैट बोथ द सर्कल्स आर लाइंग ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन. मतलब ये तो नहीं हो सकता. मतलब मेरा रेडियस, मेरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन, मेरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू द लाइन विल नॉट बी लेस देन द रेडियस. अगर मैं इसका नाम P रख रही हूं तो P विल नॉट बी लेस देन द रेडियस. इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड. P विल नॉट बी लेस देन द रेडियस. इट विल एट मैक्स बी इक्वल टू द रेडियस. ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है. या तो लाइन दोनों सर्कल्स के स्ट्रिक्टली बीच में बैठेगी, जिसका क्या मतलब हुआ कि रेडियस इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. या तो लाइन किसी एक सर्कल को टच कर लेगी, जिसका मतलब होगा रेडियस इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर. बट रेडियस कैन नेवर एवर बी, मैंने क्या बोला, हाँ, परपेंडिकुलर कैन नेवर एवर बी ग्रेटर देन, सॉरी, कैन नेवर एवर बी ग्रेटर देन. स्वाति समझ आ रहा है? क्योंकि अगर मैंने ऐसी लाइन बना दी ना स्वाति, तो इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज लेस देन द रेडियस. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज लेस देन द रेडियस, ठीक है, ठीक है. एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेस देन द रेडियस का मतलब ये होगा कि लाइन इज नॉट लाइंग बिटवीन द टू सर्कल्स, जो कि गलत बात है ना. मतलब दो कंडीशंस क्या आई कि या तो मैम ये जो लाइन है ये किसी एक सर्कल को टच कर लेगी, जिस सिचुएशन में आर विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, या फिर ये जो लाइन है ना मैम ये ना बीच में बैठेगी. लाइन अगर बीच में बैठ रही है इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन द रेडियस, ही तो हुआ ना. ये अलाउड नहीं है. मतलब ये दोनों चीजें हो सकती हैं भाई. यहां पर अब आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये आएगा, इतना रेडियस है पर यहां से लेके यहां तक पूरा पी है, तो पी इज ग्रेटर देन द रेडियस ना. तो मतलब अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी कंडीशन आ गई है कि आर वन की अगर मैं बात करूं, ये वाला आर वन, आर वन इज इधर इक्वल टू पी और आर वन इज लेस देन पी. समझ आया? आर वन इज लेस देन और इक्वल टू द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन. और वो क्या निकल के आएगी बताना जरा. इस परपेंडिकुलर की लेंथ बताओ, लाइन है अपनी 3x प्लस 4y माइनस लैम्डा इज 0. ये लेंथ आएगी अपनी 3 प्लस 4 माइनस लैम्डा का मॉड अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. मतलब ये आएगी 3 प्लस 4 मतलब 7 माइनस लैम्डा अपॉन 5. मॉड ऑफ 7 माइनस लैम्डा अपॉन 5. एंड अलॉन्ग विद दैट आर टू के साथ भी यही कंडीशन है. आर टू इज लेस देन इक्वल टू इट्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, राइट. तो यहां से जब मैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर गिराती हूं तो क्या आता है यार, इसकी लेंथ क्या होगी बताना जरा. 3 × 9 प्लस 4 × 1 माइनस लैमडा का मॉड अपॉन अंडर रूट 25. मतलब 27, 28, 29, 30, 31. तो मॉड ऑफ 31 माइनस लैमडा अपॉन 5. करेक्ट. तो ये क्या आ रहा है भाई, आर वन की वैल्यू क्या थी, आर वन तो 1 था, तो यहां 5 आ गया लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 7 माइनस लैम्डा. मतलब ये क्या आ रहा है, प्लस माइनस 7 माइनस लैम्डा. तो एक तो अपने पास आया 7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 5, मतलब लैम्डा इज 2, और दूसरा अपने पास आया माइनस 7 प्लस लैम्डा इज 5. इस 5 नहीं, मतलब ये आ गया अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2. समझ आ रहा है स्वाति? एक बार फिर से यहां लिखती हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो ये है प्लस माइनस मॉड 7 माइनस लैम्डा ना, तो मतलब मॉड हटके प्लस माइनस आ जाएगा ना. तो प्लस साइन के साथ खोलूं तो आएगा 7 माइनस लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा, मतलब लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 2. और दूसरा क्या आ रहा है, माइनस 7 प्लस लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5.
मतलब लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, एंड आ रहा है बीच में, और यहां पर क्या लिखा है, आर टू की वैल्यू क्या थी, याद आ रहा है क्या आर टू क्या था यार, टू था, टू, हाँ ठीक है, ये टू था, तो अपने पास आ रहा है 10 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 31 माइनस लैम्डा, मतलब फिर से दो चीजें आएंगी, प्लस 31 माइनस लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, एंड माइनस ऑफ 31 माइनस लैम्डा, मतलब लैम्डा माइनस 31 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो यहां आएगा लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 21, और यहां आएगा लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 41. अब इन सब चीजों का इंटरसेक्शन लेना है, इन सब चीजों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इसका, इसका एज वेल एज इसका, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब अब मैं सारे नंबर्स अगर एक बार मार्क करूं तो 7 है मेरे पास, 31 है मेरे पास, उसके बाद है क्या लैम्डा लेस देन इक्वल टू 2, तो भाई 2 है मेरे पास, और मेरे पास 41 भी है, और मेरे पास 12 भी है, और मेरे पास 21 भी है, चलो ठीक है, मतलब अब मैं सबसे पहला सेट मार्क करती हूँ विच वॉज 7 से लेके 31, ठीक है, अब मैं दूसरा मार्क करती हूँ, इट वॉज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 यूनियन ग्रेटर देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, अब मैं मार्क करती हूँ लेस देन इक्वल टू 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 41, तो लेस देन इक्वल टू 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 41, व्हाट इज द आंसर, तीनों कलर्स कहाँ मिल रहे हैं, तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस कहाँ बन रही हैं, सिर्फ इतने ही रीजन में तो बन रही हैं, मतलब आपका लैम्डा बिलोंग्स टू क्लोज 12, 21, डायरेक्ट सेंटर की लोकेशन से प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं कर सकते क्या, सेंटर की लोकेशन से प्रोडक्ट नेगेटिव कर दिया ना गजेंद्र, देखो ना ये रहा प्रोडक्ट नेगेटिव, किया मैंने प्रोडक्ट नेगेटिव, वही तो, वहीं से तो शुरू किया था मैंने, सबसे पहले मैंने वहीं से शुरू किया था यार, प्रोडक्ट नेगेटिव करके एक कंडीशन मिली थी, और बाकी दो चीजों को यूज करके जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया ना, कॉर्ड अगर है तो भाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज लेस देन द रेडियस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू द रेडियस मतलब टेंजेंट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ग्रेटर देन द रेडियस मतलब लाइन इज नॉट टचिंग और इंटरसेक्टिंग द सर्कल, ये लाइन और सर्कल का इंटरेक्शन भी यूज किया है मैंने, तब मेरे को आंसर मिला, ठीक है, कूल ठीक है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, आप सेंटर से लेके लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, पी ए रेडियस है पाइथागोरस थ्योरम से, कॉर्ड की आधी लेंथ निकाल लो उसको ट्वाइस करके कॉर्ड की पूरी लेंथ, ठीक, ये बताओ मुझे फटाफट, इजी सवाल है यार ये, काफी इजी सवाल है, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, अब देखो यहां पे जो सर्कल है वो सेंटर पे सेंटर्ड है, मतलब ओरिजिन पे सेंटर्ड है, वो ओरिजिन पे सेंटर्ड है, ठीक है, ये 0, 0, और इसकी कोई कॉर्ड है, मुझे नहीं पता क्या कॉर्ड है, पर ये ए बी कॉर्ड है, एंड दिस ए बी कॉर्ड इज अलोंग अ लाइन, मतलब एक लाइन है जो सर्कल को काट के जा रही है, एक कॉर्ड क्रिएट करके जा रही है, और ये लाइन है अपनी y माइनस 2x इज इक्वल टू 3, ठीक है, y माइनस 2x इज इक्वल टू 3, अच्छा बाबा ठीक है, अब क्या करें मैम, मुझे कॉर्ड की लेंथ चाहिए, मैंने आपको भाई पहले भी ये अप्रोच बताई थी, आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इस वाले परपेंडिकुलर का जो फुट है उसका नाम एम रख दो, अब आप ए से लेके ओरिजिन तक का कनेक्ट कर दो, ए से लेके ओरिजिन क्या है आपका रेडियस है, क्योंकि वो रेडियस ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और रही बात ओरिजिन से एम तक की, वो क्या है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन, तो वो क्या निकल के आएगा अपना 0 - 0 - 3 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4, मतलब 3 अपॉन रूट 5, ये आपका ओ एम है, तो क्या मिला आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 / √5 का होल स्क्वायर प्लस आधी कॉर्ड के लेंथ का होल स्क्वायर, है ना, लेकिन अपने को दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज आर, अगर लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज आर मतलब उसकी जो आधी आधा हिस्सा है वो आर बाय टू है, और ये बचा आधा हिस्सा भी आर बाय टू है,
तो एम का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर बाय फोर, तो अपने पास आया आर स्क्वायर इक्वल्स 9/5 प्लस आर स्क्वायर बाय फोर ना, आर बाय टू का होल स्क्वायर, तो अपने पास आएगा 9/5 इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय फोर, मतलब 3r² / 4 इज 9/5. वॉट डज दिस इम्प्लाय? 36/15 इज आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आ चुका है अपना 12/5. बड़ा सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल, ठीक है? कूल, ओके. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ लाइन एंड सर्कल विच टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट. तो यहां पर भी वही चीज है, देखो बार बार मैं बता चुकी हूं कि यार अगर सर्कल और लाइन की इक्वेशन को साथ में सॉल्व करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ सर्कल एंड लाइन. तो अगर वो रूट्स दोनों डिस्टिंक्ट आए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया, मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, मतलब लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, कट करके जाएगी, कॉर्ड क्रिएट करके जाएगी. अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया, मतलब देर आर टू इक्वल एंड रियल रूट्स, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट्स दो नहीं है, एक ही डिस्टिंक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब सर्कल लाइन को टच करेगा, लाइन उसकी टेंजेंट हो जाएगी उस पॉइंट पे. और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, मतलब नो रियल रूट्स, तो लाइन विल नॉट टच और इंटरसेक्ट द सर्कल. ठीक है, ओके. तो आप समझ गए, डी ग्रेटर देन जीरो मतलब कि कॉर्ड बनेगी, डी इक्वल टू जीरो मतलब टेंजेंट बनेगा. टेंजेंट पिक्चर में आएगा तो नॉर्मल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और उस वक्त हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ते हैं. डी लेस देन जीरो मतलब कि नीदर टेंजेंट नॉर कॉर्ड. ठीक, यहां आते हैं. इफ अ टेंजेंट टू दिस सर्कल इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी एंड क्यू, व्हाट इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. इनफैक्ट क्योंकि लोकस का एक सवाल मैं करा चुकी हूं, ये सवाल यू टेक एज होमवर्क. तो मैंने एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स वाला सवाल होमवर्क दिया है, एक दिस वन ऑल्सो प्लीज यू टेक एज होमवर्क. आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड अ लोकस का सवाल विथ यू. आई वॉन्ट यू गाइज टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन दिस वन एंड टेल मी वॉट यू थिंक इज द आंसर. द स्ट्रेट लाइन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी. अ सर्कल इज ड्रॉन थ्रू ए बी एन ओरिजिन सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज फ्रॉम ए एंड बी ऑन द टेंजेंट टू द सर्कल एट ओरिजिन इज वॉट. बड़ा अच्छा सवाल है यार ये हम साथ में करेंगे, ठीक है, ये हम साथ में करेंगे. इसको देखते हैं. दिस स्ट्रेट लाइन मीट्स एट ए एंड बी, सर्कल इज ड्रॉन. अच्छा ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, पहले तो मैं सर्कल बना लेती हूँ ताकि मैं डायग्राम आपको क्लियरली दिखा पाऊँ क्या चल रहा है. और एक लाइन है जो कि ए और बी से पास हो रही है, ठीक है. तो ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, और ये मेरा ओरिजिन है. सो देयर इज अ लाइन एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू वन. ऐसा कुछ भी मैं पहले कर चुकी हूं. ऑप्शंस ऑफ प्रीवियस सेशन होमवर्क क्वेश्चन वर रॉन्ग, प्लीज चेक वंस. ठीक है भाग्य, 100% आई एम चेकिंग इट टुडे इटसेल्फ. हाय अभिषेक, गुड इवनिंग. चलो आ जाओ फटाफट. मैंने एक चीज जो पहले बताई थी, जिसमें मैंने आपको एक ज्ञान भी दिया था कि डोंट रिलाई ऑन योर आईज व्हेन इट कम्स टू मैथ. आंखों पे भरोसा मत करो, प्रूफ पे करो, रीजनिंग पे करो, कारण पे करो, वाई पे करो, लॉजिक पे करो, एनालिटिक्स पे करो, आंखों पे मत करो. वेरी गुड गजेंद्र, ए बी इज द डायमीटर बिकॉज दिस इज 90 degree विच इज एंगल इन अ सेमी सर्कल. मतलब सेंटर यहीं कहीं होगा. और अगर आपके पास ये पूरी लाइन की इक्वेशन है तो उसमें x को जीरो रखोगे तो a के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, y को जीरो रखोगे तो x के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, b के मिल जाएंगे. तो x को जीरो रखो तो y आएगा 1/2, तो 0, 1/2 a आ गया. y को जीरो रखो तो x आएगा 1, तो 1, 0 ये आ गया. मतलब c तो इनका मिड पॉइंट हुआ ना, क्योंकि अभी अभी तो आपने बोला कि ये भी डायमीटर है, c उसका सेंटर है. दिस टाइम भाग इज 100% श्योर. वाओ, आई लाइक दिस. तो सेंटर मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, 0 + 1/2, 1/2 + 0/2 मतलब 1/4. यानी कि अगर मैं सेंटर से इसको ज्वाइन करूं, सेंटर से, सेंटर मतलब ओरिजिन से सेंटर को ज्वाइन करूं, तो क्या मुझे ओसी का स्लोप मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा मैम. ओसी का स्लोप कैसे नहीं मिलेगा? y2 - y1 / x2 - x1 मतलब कि
वन बाय फोर इंटू टू मतलब वन बाय टू। मुझे चाहिए टेंजेंट एट ओरिजिन, तो टेंजेंट एट ओरिजिन बना लो ना यार। ये लेट्स से टेंजेंट एट ओरिजिन बन गया, दिस इज माय टेंजेंट एट ओरिजिन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? अरे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू ओसी ना, क्यों? क्योंकि ओसी तो रेडियस है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो रेडियस का स्लोप मैंने निकाला हाफ, तो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा माइनस टू। यस, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई? ओरिजिन से पास हो रहा है, स्लोप पता है, तो y माइनस y1 इज स्लोप टाइम्स x माइनस x1, y इज माइनस 2x, या फिर 2x प्लस y इज 0, 2x प्लस y इज 0। तो मेरी जो टेंजेंट लाइन है ना वो आ रही है 2x प्लस y इज 0। आपको क्या चाहिए? पॉइंट ए से, पॉइंट ए वो 0.5, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, उस परपेंडिकुलर का लेंथ, और फिर कोई पॉइंट बी है। अब मैं यहां पे सिर्फ रफ डायग्राम बना रही हूं, 1.0, उससे भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, इसका नाम पी टू है, यू हैव टू फाइंड पी वन प्लस पी टू। अब तो ये सवाल इतना चिंदी बन गया ना, क्या बताऊं। तो पी वन निकालते हैं, 2x प्लस y इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस हाफ, तो अपने पास आया मॉड हाफ अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 4 प्लस। अब देखो आपको x को आप रखो 1, y को 0, तो 2 आएगा, तो मॉड 2 अपॉन रूट 5। तो ये क्या आ रहा है अपने पास? अंदर तो रूट 5 ही आ रहा है, ऊपर आ रहा है 1 बाय 2 प्लस 2, तो 1 प्लस 4 5 बाय 2, सो दिस इज 5 बाय 2 रूट 5, मतलब रूट 5 बाय 2, रूट 5 बाय 2 इज द आंसर। कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज हो यार, मतलब लिटरली अगर ये सवाल आप पूरा कर पाए, समझ पाए ना अच्छे से, और आपको बन गया, तो एक लाइक बनता है सेशन को, पर अपने लिए कि मैम मेरे को बन गया, बड़ा मजा आया सॉल्व करके, मैं डायमीटर भी डिकोड कर पाया, मैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट भी डिकोड कर पाया, मुझे पता चल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगना था, मैं सब डिकोड कर पाया, स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज होगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, सब मैं डिकोड कर पाया। तो गिव द सेशन अ लाइक फॉर योर सेल्फ, ठीक है? लाइन एंड सर्कल को लेके जो एक्चुअल स्टफ है वो मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगी, कि भाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन स्लोप फॉर्म क्या होती है, ओके? एंड अगर आपके पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन है तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म से कैसे निकालते हो। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पॉइंट फॉर्म और स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे बात करने वाली हूं, ठीक है? आई हैव गिवन यू टू क्वेश्चंस इज होमवर्क, मेक श्योर यू कंप्लीट देम एंड मेक श्योर यू पुट देयर आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो। आई एम गोना मीट यू सुपर सून अगेन पीपल, एंड अगेन आई एम सेइंग फॉर द लास्ट टाइम, जिसने भी स्ट्रेट लाइंस नहीं देखा प्लीज देख लो, सर्कल्स का आज दूसरा ही सेशन हुआ है, देयर आर 5 to 6 सेशंस दैट वी हैव प्लान्ड फॉर सर्कल्स, तो हर एक सेशन आप सीक्वेंस के साथ देखते जाओ, प्लीज इसमें गैप मत करना, क्योंकि पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बिल्डिंग हमें स्ट्रॉन्ग खड़ी करनी है, और वो हर एक फ्लोर धीरे 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 एक के ऊपर एक खड़ा होगा। पहला स्ट्रेट लाइंस है, फिर सर्कल्स है, तो सर्कल्स अभी चल रहा है, प्लीज रिदम बनाए रखना, मोमेंटम बनाए रखना, रेगुलैरिटी मेंटेन रखना, मिस मत करना क्लासेस, और अगर आपका पीछे स्ट्रेट लाइंस का बैकलॉग हो रखा है तो प्लीज गो एंड विजिट द प्लेलिस्ट एंड वॉच दोज सेशंस। Okay, thank you so much for joining in, people. I'm going to see you super soon again. Bye-bye, take care, good night.